ये सभी गुड आफ्टरनून, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में, ठीक है। करंट अफेयर समसामयिक के मुद्दों पर हम बात करेंगे। और आपको पता है कि करंट अफेयर सारी परीक्षाएं, बहुत सारी परीक्षाएं हो रही है, मेंस की परीक्षाएं हो रही है बहुत सारे स्टेट्स में, तो उस पर हम बात करेंगे। और आज से वीडियो जो होगा काफी छोटा दिया जाएगा, मतलब छोटा वीडियो देने का मतलब ये है कि जो आपको जो टॉपिक दूंगा, कम से कम टॉपिक्स और ज्यादा कंटेंट जो होंगे, जितने अच्छे से अच्छे आपको दिए जा सकते हैं उतने अच्छे दिए जाएंगे, जैसे पहले भी देता था मैं। तो बच्चों का पेपर भी है, मैं जान सकता हूँ कि बहुत सारे मेंस के पेपर हैं। तो चलिए हम सीधे कंटिन्यू करते हैं क्लास के बारे में, ठीक है, अनअकैडमी के बारे में स्टार्ट करते हैं, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ, एकदम टेंशन फ्री रहिए आप सभी के सभी, सभी लोग पेपर दीजिए और मस्त होकर पढ़ाई कीजिए। तो चलिए अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां घर बैठे ही इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं उनसे क्लास ले सकते हैं, सभी को पता भी है और टाइम हो गया है, सब लोग आ जाइए। और भी जल्द से जल्द जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट वो बात किया जाएगा, जैसे डेली लाइव क्लासेज मिलेंगे। लाइव क्लास का मतलब होता है सीधा प्रसारण। लाइव क्लास में क्या होता है, सीधा प्रसारण ही होता है, टू वे कम्युनिकेशन होगा। आप भी क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं भी क्वेश्चंस को पढ़ाऊंगा, पहले मतलब पहले पढ़ाऊंगा उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे। स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, जो भी कोर्स होंगे स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। स्ट्रक्चर फॉर्म का मतलब यही होता है कि अगर हिस्ट्री की क्लास है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी की क्लास है तो ज्योग्राफी चलेगा, पॉलिटी क्लास है तो पॉलिटी चलेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास चलेंगे आपके, ठीक है। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज का बेनिफिट क्या होगा कि टेस्ट और क्विज देके आप अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं आप, टॉपिक्स में बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो डाउट अभी क्लियर नहीं होती है, तो टेस्ट अगर आप देते हैं ना तो जितने भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स वहां पर शो हो जाएंगे। मतलब टेस्ट देंगे तभी तो पता चलेगा कि यार क्या पढ़ाई कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो टेस्ट और क्विज आपको मिलेगा, अनलिमिटेड टेस्ट और क्विज मिलेगा, उसका भरपूर आनंद लीजिए आप लोग, ठीक है। टेस्ट और क्विज को देते रहिए और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी सपोज़ेड लाइव क्लास चल रहा है, लाइव क्लास नहीं भी कर पाते तो वो लाइव क्लास आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा और उसको आप अनलिमिटेड एक्सेस के साथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलेगा आपको, ठीक है। ये अनअकैडमी का ऐप है बेटा, जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड ना किए हो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लें, काफी बेनिफिशियल है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए बस आप सभी के सभी, जस्ट तब तक टाइम भी हो गया है, टाइम हो गया है तो जल्द से जल्द सभी लोग आने की कोशिश कीजिए, जल्द से जल्द आइए सभी लोग, ठीक है। अपने व्यू अपने कमेंट्स आप देते रहिए, क्योंकि आप लोग के व्यू आपके कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, मतलब हमारे लिए जरूरी इसलिए कि क्योंकि आपके व्यू और आपके कमेंट्स के ही थ्रू सब कुछ पता चल पाता है मुझे, क्योंकि हम लोग डिजिटली तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं और डिजिटली तरीके से एक दूसरे को समझ भी रहे हैं, इसलिए आपके व्यू आपके कमेंट आने बहुत जरूरी है। अपने व्यू अपने कमेंट को प्लीज आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा, ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है और मैं आप लोगों को हिस्ट्री पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी चल रहा है करंट अफेयर चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर है और बच्चे कह रहे थे कि सर करंट अफेयर मैक्सिमम हो, तो मैं करंट अफेयर का सीरीज चला रहा हूँ, उसको देखिए। और जितने भी सीरीज अभी तक हो चुके हैं सारी सीरीज देख लीजिए, आपके पेपर में देखिएगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे वो, क्योंकि पेपर में जो भी क्वेश्चन आते हैं सारे टॉपिक को मैं क्लियर कर चुका हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ, तो जरूर आप उसको देखिएगा। ये टेलीग्राम का लिंक है बेटा, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन देना होता है मैं इसी टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। क्लास का पीडीएफ, क्लास की टाइमिंग, क्लास का डेट, एवरीथिंग आपको इसी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं वो अनअकैडमी के साथ इस समय जुड़े हैं, तो किसी भी टॉप एजुकेटर से आप क्लास ले सकते हैं। तो जो भी टॉप एजुकेटर से क्लास लेना हो आप क्लास ले लीजिए, एक्सेस टू इंडिया बेस्ट एजुकेटर इन जजेस सब्सक्रिप्शन है, किसी भी टॉप एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं। अगर मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूं यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो जैसे पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन आपका है, जियोग्राफी का सब्सक्रिप्शन है, एनसीईआरटी की साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है आपका, एनसीईआरटी का है, हिस्ट्री का है, ऑप्शनल कोर्स भी है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सब्सक्रिप्शन है, आर्ट एंड कल्चर के सब्सक्रिप्शन है, करंट अफेयर के सब्सक्रिप्शन है, इंडियन इकोनॉमी प्रैक्टिस स्टडी और आंसर राइटिंग कोर्स के भी सब्सक्रिप्शन है। इसलिए किसी भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो आप सब्सक्रिप्शन लेके अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ। वैसे भी कोरोना महामारी चल ही रही है, तो जितने भी एजुकेटर हैं सारे अनअकैडमी पे एसोसिएशन है, इसमें किसी भी टॉप एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं। देखिए, दो तरह के प्लान होते हैं यूपीएससी सीएससी जीएस के सब्सक्रिप्शन के प्लान, दो तरह के हैं। एक होता है 1 महीने का भी है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का प्लान है। जो 1 ईयर का प्लान है जीएस का, यूपीएससी सीएससी जीएस का, 49,500 का है। ये कोड है, इस कोड का यूज करके PJ01 कोड का यूज कीजिए और अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट पाइए। और आफ्टर डिस्काउंट 10% के बाद देखिए यहाँ पे 10% डिस्काउंट इंस्टेंट हो जाएगा आपका, 44,550 आपको पे करना होगा 1 ईयर का। इसमें यह भी बेनिफिट होगा, ये कोड किसी जगह एप्लीकेबल है, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा।
लाइव क्लास मिलेगा, इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। लाइव क्लास का मतलब क्या होता है? सीधा प्रसारण, जो बता चुका हूँ। टेस्ट सीरीज मिलेगा बार बार आपको, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। दूसरा जो प्लान है आइकॉनिक का प्लान है, थोड़ा सा डिफरेंस है प्लस और आइकॉनिक में। ये भी 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर का है। जो 1 ईयर का फी है 69,500 है। कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा और आपका 10% डिस्काउंट ओनली पे 62,550 रुपए। इसमें बेनिफिट ये होगा कि ये चारों फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस वाले लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल। इसके साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच भी मिलेंगे जो पर्सनली आपको गाइड करेंगे। डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा आपको, स्टडी प्लानर मिलेंगे और पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा। ये जितनी भी फैसिलिटीज आपको मिलेगी वो मिलेगा आपको आइकॉनिक में। तो चाहे वो आपको प्लस लेना हो, चाहे वो आइकॉनिक लेना हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है, कोड कहीं पे भी यूज किया सकता है। हाँ, कोड कहीं यूज किया सकता है। ये ऑप्शनल कोर्स का भी सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि यूपीएससी सीएससी ने ऑप्शनल कोर्स भी स्टार्ट किया है, बहुत पहले से चल रहा है चीजें। तो किसी को भी वैकल्पिक विषय लेना हो, चाहे 1 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने का, तो देख लीजिए अपने अनुसार वैकल्पिक विषय का चयन कर लीजिएगा। और वैकल्पिक विषय का चयन मैं बार बार कहता हूँ कि बेटा अपने जो जिसमें पारंगत हासिल हो, जिस सब्जेक्ट में महारत हासिल हो, उसी को चुनिएगा। किसी के कहने पर नहीं, आपको जो सुटेबल अच्छा लगे, जिसमें आपको महारत हासिल हो, वही आप चूज कीजिएगा। जो 1 ईयर का चार्ज इसका 27,500 है, कोड यूज करेंगे सेम कोड PJ01, 10% डिस्काउंट। आपका 10% डिस्काउंट के बाद देखिए ओनली पे 24,750 रुपए। तो अपने अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। आपको पता है कि कॉम्बैट भी चल रहा है, अनअकैडमी का कॉम्बैट। कॉम्बैट में ऑल ओवर इंडिया लेवल के बच्चे, जितने भी ऑल ओवर इंडिया लड़के लेवल पे ये कॉम्बैट हो रहा है, सारे लड़के टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई किससे है ये बताइए? आपकी लड़ाई उन लड़कों से ही है। लड़ाई का मतलब ये नहीं कर कंपटीशन किससे है, मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे है कि जो लड़के ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है, क्योंकि आपका पेपर तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है, यूपीएससी का पेपर होता है। तो आप जितने भी लड़के हैं, मैक्सिमम लड़कों ने रजिस्ट्रेशन करके पेपर दिया है, और जितने बचे कुचे हैं जो अभी नहीं किए हैं, वो लोग भी करिए। और क्योंकि अपनी प्रतिभा को आप कब दिखाएंगे? जब आपको एक माहौल मिलेगा। तो वो माहौल अनअकैडमी दे रहा है आपको। अनअकैडमी का कॉम्बैट स्टार्ट हो ही चुका है, आप उस कॉम्बैट पे सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा। द मोस्ट कॉम्पिटेटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटलियन ईयर, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, रोल अपने आपको सभी लोग कीजिए। और भी देखिए, इसमें 45 मिनट के टेस्ट होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे, 13 कॉम्बैट आपका चलेगा, 6 सेक्शन होंगे, रिलेटिव स्कोरिंग होगी, अल्टरनेट संडे को ये कंटेंट चलेगा। तो हर अल्टरनेट संडे को होगा। 6 दिसंबर से ये प्रथा स्टार्ट हो चुकी है, ये कॉम्बैट स्टार्ट हो चुका है। तो सभी लोग कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए, आप सभी के सभी। और देखिए, आपको ये भी पता है कि 6 महीने बचे ही हैं सिर्फ प्रीलिम्स के पेपर में। बेटा कमर कस लीजिए, 2021-20 की एंडिंग होने वाली है और 21 चालू होने वाला है। इसलिए सभी लोग 21 की तैयारी में लग जाइए, समय कम बचा हुआ है, काम ज्यादा है। ओनली 6 मंथ रिमेनिंग बचा है और इस 6 महीने को आप एक एक दिन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, तैयारी में लग जाइए जो लोग अभी तक बचे हुए हैं। आइकॉनिक का प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है, ठीक है, तो कमिंग सून अभी बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, आप लोगों को पता भी चल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको जिसको भी आइकॉनिक की जरूरत है वो आइकॉनिक का प्लान ले सकते हैं। तो चलिए आज सीधे मुद्दे पे आते हैं, सभी लोग आ गए हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो आज हम पहला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मानव स्वतंत्रता सूचकांक की बात करेंगे, वुमन फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे। क्यों बात करेंगे, क्यों रिपोर्ट? क्योंकि हर साल आता है रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिति है, इसके बगल के जितने भी देश हैं कौन फर्स्ट आया है, कौन लास्ट में है, भारत की क्या रैंकिंग है, पहले कितना था, इस साल कितना है, इस पे हम सारा चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को मिला है 111 स्थान, 111111 स्थान मिला है इस साल। तो हम बात करेंगे कि 2020 में क्या स्थिति थी, 2019 में क्या स्थिति थी, पहले स्थान पर कौन ऐसा देश है, लास्ट स्थान पर कौन ऐसा देश है, इस सारे के बारे में बात करेंगे। कैसे क्या होता है, सारी डिटेल बात करेंगे। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, उसमें भारत की क्या रैंकिंग है, अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। वैसे मैं ये टॉपिक स्टार्ट किया हूँ, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को मिला है 111वां स्थान। यहां तक क्लियर है सभी को? तो आगे बढ़ा जाए फिर, तो कमर कस लीजिए और आगे बढ़ते हैं, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे बेटा, टेंशन ना लो। चेंजिंग हम कर रहे हैं आज से, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि चेंजिंग क्या है, टेंशन ना लिया करो आप लोग, ठीक है। चलिए, हाल ही में मानव स्वतंत्रता सूचकांक जिसे ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स कहते हैं, 2020 को जारी किया गया है।
ठीक है, 2020 का जो मानव स्वतंत्रता सूचकांक जो है, जो मानव की स्वतंत्रता की जिसकी बात करते हैं, मानव की फ्रीडमनेस की जो बात करते हैं, उसको सूचकांक जो है 2020 वाला जारी किया गया है, उसमें भारत को 101वां स्थान मिला है। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा आपको। इस सूचकांक को कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट और काटो इंस्टीट्यूट ने जारी किया, यानी कि जो जारी करने वाला है, जो इश्यू करने वाला है स्वतंत्रता सूचकांक को, वो कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट और काटो इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। और मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक वैश्विक रैंकिंग है, यानी कि इसमें किस चीज को ऐसा क्या है, कौन सा ऐसा पैरामीटर है कि इस सूचकांक को जारी किया जाता है। तो वो जो पैरामीटर है जिसमें ये बताया गया है कि मानव स्वतंत्रता जो सूचकांक आपका है सर 2020 वाला, वो नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक वैश्विक रैंकिंग है, और यही रैंकिंग कनाडा के द्वारा जारी किया गया है। और उसमें बताया गया है कि इन सारी रैंकिंगों को मिलाकर भारत की जो रैंकिंग है 101वीं बताया गया है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक। यहां तक किसी को कोई डाउट है? धीरे धीरे चीजों को मैं बनूंगा, भी धीरे धीरे अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे बने रहिए बेटा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक आज मैं लिया हूँ, जो चूज किया हूँ, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, और आप खुद देखेंगे चीजों को कैसे, क्यों सर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आज से मैंने बहुत सारी चेंजिंगें की हैं। तो मैंने सबसे पहले यही बताया कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, और इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो जो पैरामीटर जैसे मैंने बताया कि इसमें व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता की एक वैश्विक रैंकिंग है, और इस सूचकांक में व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के 76 संकेतों के आधार पर 162 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है, मतलब प्रदान की गई है। यानी कि इसमें जो पैरामीटर्स लिए जाते हैं, वो सारे पैरामीटर्स का यूज करके पूरे भारत में, पूरे विश्व की बात अगर हम करें, ग्लोबल लेवल पे बात करें, क्योंकि ग्लोबल लेवल की चीजें हैं, तो ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो 176 संकेतों के आधार पर 162 देशों की सूची बनाई गई है। उस 162 देशों की सूची में जो भारत की रैंकिंग रखी गई है, वो 101वां स्थान भारत को दिया गया है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट, किसी को भी कोई डाउट है? किसी को भारत की जो रैंकिंग है वो 111 है, हर साल पेपर में ये पूछा जाता भी है, चाहे वो वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात हो, चाहे वो आपकी फ्रीडम की बात हो, चाहे वो कोई भी रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि भारत का प्रदर्शन, कि भैया ऐसा प्रदर्शन क्या है। इस वर्ष भारत को जैसे मैंने कहा कि 111 स्थान मिला है, 101वां स्थान मिला है, और जबकि पिछले साल के मुकाबले भारत 17 स्थान नीचे फिसल गया है, यानी कि 2019 के कंपेयर में 2020 में 17 स्थान पीछे फिसल गया है। और इस सूचकांक में भारत का जो स्कोर है 6.43 स्कोर प्राप्त किया गया है। और आजकल आपने बेटा देखा होगा यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में, या बहुत सारे पेपर्स ऐसे हो रहे हैं स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी में, लगातार आप देखिए इस साल का, तो चलिए मान लीजिए पूछ ही दिया कि इस साल की रैंकिंग क्या है, इसके पहले की भी रैंकिंग पूछ दे रहा है पेपर में। तो इसलिए पहले की रैंकिंग और उसके पहले की रैंकिंग ये जरूर आप कम से कम 1-2-3 साल प्रीवियस का भी देखा कीजिएगा, क्योंकि उसी से आप कंपेयर करके ही किसी चीज को बताते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले भारत 17 स्थान नीचे फिसल गया है, और 17 स्थान जब नीचे फिसल गया है तो जाहिर सी बात है इसकी रैंकिंग में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पेपर उठा के देख लीजिएगा कि क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे जा रहे हैं जिसमें पिछले साल का भी और इस साल का भी, और पूछ देगा कि सर पिछले साल से इस साल में इतनी रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है, या अधिक दर्ज की गई है, या इतना पहले था इस साल इतना है, और एबीसीडी करके दे देगा, क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के आ जा रहा है। इसलिए आप लोग लगातार कम से कम 2 से 3 साल तक का रैंकिंग देख लिया कीजिएगा, और वर्तमान में ही रैंकिंग देखिएगा। तो ये जो नया, जो नए तरीके से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस क्वेश्चन को उसी तरीके से डील करने की आप लोग भी आदत अब से डाल लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि इस साल 111 है और 17 स्थान नीचे खिसक गया है, फिसल गया है, और जो इसका स्कोर है भारत का, इस समय 6.43 स्कोर प्राप्त किया गया है। टोटल 162 देशों की रैंकिंग ली गई है, उन 162 देशों में जो भारत की रैंकिंग है 111 है, ठीक है। चलिए और आगे हम बात करते हैं क्या है ये सब चीजें, और देखिए भारत का यह स्कोर औसतन मानव स्वतंत्रता रेटिंग 6.93 की तुलना में कम है, यानी कि जो औसत रेटिंग की जो बात की गई है उसकी तुलना में तो कम ही है, जाहिर सी बात है 6.93 जो औसत लिया गया उसकी तुलना में कम है। और इस सूचकांक में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में भारत ने 6.30 का स्कोर हासिल किया है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता में भारत ने 6.56 का स्कोर प्राप्त किया है। वही जो मैं शुरुआत में आपको बता रहा था कि आर्थिकी की बात हो चाहे व्यक्तिगत की बात हो, तो जो एक्चुअल के एवरेज की बात है वो है तो 6.93 है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में भारत ने 6.93 से कमी तो पाया है, 6.30 है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं आर्थिक स्वतंत्रता की बात किया जाए तो वहां पे 6.56 है, ये भी जो है उसकी जो एवरेज है उससे कम है, इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा। और थोड़ा हम पड़ोसियों की भी बात कर ले, क्योंकि भारत की बात तो हो गई है, और अभी जो इर्द गिर्द के जो देश है, क्योंकि 162 देशों को लिया गया है और सारे देशों का स्कोर लिया गया होगा जाहिर सी बात है, तो थोड़ा अपने अगल बगल के जो पड़ोसी हैं उनकी भी स्वतंत्रता के बारे में हम लोग देख ले। पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत का प्रदर्शन
कुछ बेहतर है, और इस सूचकांक में पाकिस्तान को 140वां स्थान दिया गया है, उसका क्या कहना? तो वो जो है उसके बारे में तो बात ही करना, एक तरह से क्या मैं बोलूं, वो क्या सूचकांक में देता है। और जैसे उइगर मुसलमानों के बारे में मैं चाइना का भी बताया कि कितना वहां पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, वहां पे उइगर मुसलमानों के बारे में जो चाइना में बताया भी था मैंने कि चाइना के द्वारा तरह तरह की उसके ऊपर मतलब तरह तरह की यातनाएं दी जा रही है, मैं सब बता चुका हूँ आपको। तो थोड़ा पड़ोसियों के बारे में भी जानना जरूरी है। तो पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत का प्रदर्शन तो अच्छा है, क्यों अच्छा है कि भाई पाकिस्तान 140वां रैंक है और भारत का 111 रैंक है, तो जाहिर सी बात है उसकी तुलना में तो हम बेटर स्थिति में है, लेकिन फिर भी हमको कोशिश करना चाहिए कि और अच्छा हमारा रैंक हो। तो पाकिस्तान 140वें स्थान पर है जबकि बांग्लादेश 139वें स्थान पर है। और अभी बांग्लादेश देखिए, रिसेंटली आपको पढ़ाया भी था पूरा बांग्लादेश के बारे में बताया था, पूर्वी बांग्लादेश जिसे आप बांग्लादेश कहा जाता है, पूर्वी आपका पाकिस्तान जिसे कहिए पूर्वी बंगाल कहिए, तो वही बांग्लादेश विजय दिवस भी मनाया गया 16 दिसंबर, सब पढ़ा चुका हूँ 1971। और इस सूचकांक में चीन और भूटान को क्रमशः 129वां और 108वां स्थान प्राप्त किया गया है। तो ये जो चाइना जो इतना कूदता रहता है, चाइना जिस चाइना की बात मैंने उइगर मुसलमानों के लिए कहा कि बार बार अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा है कि यार उइगर मुसलमानों के साथ वो यातनाएं कर रहे हैं, वो और वो कहता है नहीं हम तो उनको अच्छी अच्छी उनको 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 एलिवेशन सिखा, अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं उनको, हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छी चीजों के लिए, हम उनको बिजनेस माइंड सिखा रहे हैं। ये बिजनेस माइंड नहीं है, क्या सिखा रहे हैं खुद नहीं जानते हैं, सिखा क्या रहे हैं उइगर मुसलमानों को, क्योंकि उनके साथ इतनी यातनाएं, कई रिपोर्ट आ चुके हैं उनके लिए कि उनके साथ यात्राएं की जा रही हैं, उनको कैदियों की तरह रखा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट में अमेरिका की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था। खैर अब यहाँ पे रैंकिंग की बात करें तो हम इसी पे बात करें तो ये अच्छा रहेगा। तो पड़ोसी देशों में देख लीजिए आपकी पाकिस्तान की जो रैंकिंग है 140वीं है, बांग्लादेश की जो रैंकिंग है 139वां है, और चीन की जो रैंकिंग है 129 है, और भूटान जो थिम्पू भूटान 108 स्थान पर है, और श्रीलंका को 94 और नेपाल को 92 स्थान दिया गया है। तो अभी हाल ही में बढ़ाया था नेपाल के बारे में भी आपको बताया था कि नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है और अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं। वहां के राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया है विद्या देवी भंडारी ने कि वहां पर चुनाव अप्रैल और मई में होने वाले हैं, ये सब पता चुका हूँ आप लोगों को। इसलिए मैं आप लोगों को सारा डिटेल इसीलिए बताता हूँ ताकि वो चीजें बार बार जब रिकॉल होती रहेंगी तो वो चीजें आपको पता रहेंगी कि यार सर ने ये पढ़ाया था, नेपाल के बारे में ये कहानी हुई थी, श्रीलंका के बारे में ये कहानी हुई थी, चीन के बारे में सर ने ये बताया था, पाकिस्तान के बारे में ये बताया गया था, चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर भी बताया था मैंने कि पीओके से गुजर रहा है, ये सारी चीजें बता चुका हूँ। तो ये चीजें बार बार जब आपको रिकॉल होता रहेगा तो यकीन मानिए जब आप पेपर होगा, जब मेंस होगा, चाहे आपका इंटरव्यू होगा, चाहे आपका प्रीलिम्स होगा, तो वो चीजें आपको पता खुद चल जाएंगे कि मैं ऐसा बार बार क्यों कहता था। ठीक है, तो हमारी रैंकिंग 111 है, हमसे कम वाले कौन कौन है? नेपाल है हमारा छोटा भाई जो है 92 स्थान पर, और श्रीलंका 94 पे स्थान पर है, और पाकिस्तान से हम तो कंपेयर नहीं करेंगे, हम तो अच्छे लोग से ही कंपेयर करेंगे, उससे क्या कंपेयर करना, जहां पर स्थिति इतनी नदारद हो, जहां पर कोई इंडस्ट्रीज न हो, जहां के लोग ही खुद परेशान हो वहां पर सरकार से, तो उसके बारे में क्या कहना। तो ये रैंकिंग आप लोग जरूर देख लीजिएगा, अगल बगल का भी देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में ये भी पूछे जा सकते हैं कि एशिया में भारत की रैंकिंग की क्या स्थिति है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या क्या है कि इस सूचकांक में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले टॉप 10 देश इस प्रकार हैं, जो कि निम्नमत है, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे पहला स्थान किस देश का है। तो टॉप 10 देशों का नाम देख लीजिए कि न्यूजीलैंड है पहले स्थान पर, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर, हांगकांग, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, एस्टोनिया, जर्मनी और स्वीडन संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर स्वीडन है, और जापान 11वें स्थान पर है। यानी कि टॉप 10 देशों का नाम आपको मैंने बता दिया कि पहले दूसरे तीसरे कम से कम इतना तो नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। भारत की रैंकिंग तो पूछी जाएगी, इसकी 2020 की पूछी जाएगी, 2019 की पूछी जाएगी, और यह भी पूछा जाता है कि 162 देशों की सूची में सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो कम से कम आप एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आपको कम से कम ये जरूर जानना चाहिए कि पहले दूसरा और तीसरा स्थान किसका है। तो पहला है न्यूजीलैंड का, दूसरा है स्विट्जरलैंड का, और तीसरा है हांगकांग का। ठीक है, उसके बाद डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, आयरलैंड है, एस्टोनिया है, जर्मनी है, और स्वीडन है। ठीक है, और जापान। तो ये जितने भी टॉप 10 वाले बता दिया मैंने, इसको आप आराम से देख लीजिएगा। और इस सूचकांक में यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका 17वें स्थान पर हैं, और इस सूचकांक में सबसे जो खराब प्रदर्शन करने वाले भी जो देश हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे सीरिया है आपका, सूडान है, यमन है, वेनेजुला है, और ईरान है। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक जो है, जो रिपोर्ट जारी की जाती है, जो कनाडा की जो रिपोर्ट आई है, कनाडा के द्वारा इंस्टीट्यूट के द्वारा जो रिपोर्ट आई है, उसमें यही बताया गया कि टॉप 10 वाले कौन है, सबसे टॉप पे कौन कौन से देश है, सबसे बॉटम पे कौन कौन से देश है, और इसके साथ साथ भारत की रैंकिंग क्या है, और भारत के अगल बगल के पड़ोसियों की भी रैंकिंग क्या है। तो इस क्वेश्चन से सारा का सारा डिटेल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट है? आप सबसे खराब स्थिति देखिए सीरिया की क्या स्थिति है, सीरिया की वो घटना याद कीजिए, जो घटना हुई थी, छोटा बच्चा जो था नदी के किनारे का, जो फोटो था, घटनाएं मतलब मानवता को संसार करने वाली घटना थी।
भूटान, सॉरी भूटान कह रहा हूँ, सूडान है आपका, यमन है, वेनेजुला है, और ईरान, ये सारा है एटलीस्ट वाले में, 162 के आसपास वाले जितने हैं, सारा लीजिए। लास्ट से मैंने टॉप से भी और बॉटम से भी मैंने बताया, भारत के बारे में बताया, भारत के अगल बगल के पड़ोसियों के बारे में बताया, तो इन चीजों को आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब हम बात करते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक आखिर है क्या है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स क्या है, इस सूचकांक से क्या मतलब होता है, क्या इससे बेनिफिट होगा इस सूचकांक का। इस सूचकांक को जैसे मैंने कहा कि व्यक्तिगत और आर्थिक स्वतंत्रता के 76 संकेतों का उपयोग करके तैयार किया गया है, यही बताया था मैंने। और इन संकेतों में कानून, सुरक्षा, कानूनी व्यवस्था, धर्म, संपत्ति का अधिकार जैसे क्षेत्र शामिल है। तो इन सभी को शामिल करके 76 संकेतों के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, पूरे विश्व के 162 देशों को साथ में लेकर किया गया है, और आपको रिपोर्ट पूरा मैंने बता ही चुका हूं, तो इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा कि मानव ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स क्या है, मानव की क्या स्वतंत्रता है, और क्या उसको मिलनी चाहिए, क्या वो उस देश में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर सीरिया में अगर मिली होती तो क्या इसका रिपोर्ट ऐसे आया होता, जिसमें जिस देश में मिली हुई है उसकी टॉप पे है, हमारी क्या स्थिति है, हमारे अगल बगल की क्या स्थिति है, टॉप और बॉटम सब देख लीजिएगा, और इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्या है, पूरा डिटेल आपको बता दूंगा। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, कोई भी डाउट, कोई डाउट है, कोई भी डाउट, किसी को भी डाउट हो तो बेचारा पूछ लो। और अन्य सूचकांकों में भारत का प्रदर्शन भी देख लीजिए कि पिछले कुछ समय में कई सूचकांकों में भारत के प्रदर्शन में गिरावट आई है, हम पहले से बहुत ज्यादा सुधार कर रहे हैं। और अप्रैल 2020 में जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत ने 142वां स्थान हासिल किया है। अन्य की बात कर रहा हूँ, ये तो चलो मानव स्वतंत्रता सूचकांक हो गया है, इसमें हमने तो चलो स्थान थोड़ा पिछले आए हैं, उसको गिरावट आई है, और इसके साथ साथ कई और भी गिरावट आई है, जैसे कि आपका प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, क्योंकि चौथा पिलर है वो हमारा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा प्रेस ही है, तो प्रेस की स्वतंत्रता के सूचकांक में भी हमारी जो है स्थिति काफी अच्छी आई है, भारत ने 142वां स्थान दर्ज किया है। और वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भी भारत की रैंकिंग 26 स्थानों की गिरावट आई है, और इसके अलावा भारत ने अकादमिक स्वतंत्रता और इंटरनेट स्वतंत्रता सूचकांक में भी काफी कम स्कोर प्राप्त किया है। तो ये रहा पूरा का पूरा भारत का मानव स्वतंत्रता सूचकांक, इसके साथ साथ मैंने प्रेस के बारे में बताया, आर्थिक के बारे में बताया, और इसके साथ साथ मैंने अकादमिक स्वतंत्रता और इंटरनेट स्वतंत्रता के बारे में भी मैं आप लोगों को बताया, तो इसको आप आराम से देख लीजिएगा। और प्रेस वाला जो मैं कह रहा हूँ बेटा, ये पेपर में कई बार पूछा भी जाता है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, इसके बारे में भी कभी जब जरूरत होगी पूरा जिक्र इसके बारे में कर दूंगा, ठीक है। जो इससे रिलेटेड जो चीजें होती है वही मैं बार बार रिलेट करके चलता हूँ, तो इसको भी जब जरूरत पड़ेगी उसके बारे में पूरा डिटेल मैं उस समय पढ़ा, ठीक। यहां तक किसी कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, डाउट नहीं है तो आगे बढ़िए। और अब आता है, अमेरिका ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया। तो अमेरिका के एक नए राष्ट्रपति आए हैं, अगर किसी को पता हो तो प्लीज आप लोग हमको कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में चुनाव हुआ था, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब चले गए, मतलब हार गए वो, और उनकी जगह पे दूसरे कोई आए हैं। और किसी भी देश के नए राष्ट्रपति, में बार बार कहता हूँ, कोई भी कहीं चेंजिंग होती है तो उसके ग्लोबल पे भी इफेक्ट पड़ता है। और हमारे और अमेरिका के क्या संबंध थे, बराक ओबामा के समय से कहिए, चाहे बिल गेट्स के समय से कहिए, चाहे किसी के भी समय से कहिए, ये वर्तमान वाले जो है इनसे हमारा क्या है, किस मुद्दे पर ये मुखर होकर बात करेंगे, सारे डिटेल पढ़ा चुका हूँ। आप कमेंट मार के बताइए कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय वर्तमान में कौन है, क्योंकि राष्ट्रपति चेंज होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ नीतियां भी चेंज होंगी, जैसे कुछ चीजों में, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत अच्छे भी थे, मुखर होकर बात करते थे, खास करके चाइना के मुद्दों पर बात करते थे, कई सारी चीजें थी, कुछ पॉजिटिव थी कुछ निगेटिव थी, हर आदमी में कुछ ना कुछ होता है। जैसे मैं पाकिस्तान के केस में बार बार एग्जाम्पल यही देता हूँ कि इमरान खान से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इमरान खान साहब भी वही निकले, जो सब थे वैसे वो भी, कोई चेंजिंग ही नहीं है। तो जब चेंजिंग होती है तब लगता है कि यार कुछ चेंजिंग होने वाली है, ठीक है। तो बताइए कोई डाउट हो किसी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या नाम है इनका? अमेरिका के ने पीएम मोदी को दिया लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया, और यही वह अमेरिका है जो हमारे पीएम साहब को कभी वीजा नहीं देता था, और आज रेड कार्पेट बिछा के उनका स्वागत करता है, इसलिए समय बड़ा बलवान होता है, किसी का भी आ सकता है। तो पहले यही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को कभी अमेरिका के द्वारा वीजा नहीं दिया जाता था, और मैंने कहा ना कि रेड कार्पेट बिछा के उनका स्वागत किया जाता है, और रेड कार्पेट के अब तो मैं क्या बोलूं, खैर लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। और जब से ये अपने कार्यकाल में आए हैं देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जबरदस्त तरीके की भारत की जो हर मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो कोरोना महामारी हो, चाहे कोई भी चीजें देखिए, आप हमेशा हर देश के साथ में हम कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। खैर मैं इस मुद्दे पे नहीं आऊंगा, सीधे टॉपिक पे आते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है बच्चों के पास, क्योंकि पेपर है बच्चों का। अमेरिका ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है,
इसके साथ मैं और भी बता दूंगा क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और इसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि मोदी जी जब से कार्यकाल संभाले हैं उनको कौन कौन से पुरस्कार अभी तक दिए गए हैं। ठीक है बेटा, तो अमेरिका के जो ने घोषणा किया कि पीएम मोदी साहब को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, पीएम मोदी 2.0, जो प्रधानमंत्री जी का 2.0 1.0 चल रहा है, 2014 से 2019, 2019 से 2024, तो लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जैसे मैंने कहा कि घोषणा की घोषणा किया है, और श्री मोदी को यह पुरस्कार दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने, ध्यान से पढ़िएगा चीजों को, रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने और भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। इसीलिए मैंने कहा ना बेटा, समय बड़ा बलवान होता है। ये वही अमेरिका था जो कभी इनको वीजा नहीं देता था और आज रेड कार्पेट बिछा के स्वागत करता है। आज वही है क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, हमारे पास लोग बहुत ज्यादा है, हमारे पास सबसे ज्यादा ग्रीन कार्ड होल्डर्स देखिए किसके ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल्स आईटी फील्ड के सबसे ज्यादा किसने, पूरे विश्व पे है, पूरे विश्व में भारत के ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जाहिर सी बात है वो अमेरिका इतनी दबंगई तरसाई नहीं चल पाएगी। और जब पोखरण परीक्षण भी जब हुआ था तो आपको पता होगा कि पोखरण परीक्षण में भी इन लोगों ने हमारे ऊपर बैन लगाया था कि नहीं कर सकते हैं, बहुत इतराते थे यूरेनियम लेके ये। लेकिन हमारे देश के उस समय के यशस्वी प्रधानमंत्री सॉरी श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नेतृत्व में हमने पोखरण का परीक्षण भी किया। पोखरण कहाँ पर है कमेंट करके कोई बता सकता है। उस समय भी उनके तनाशाही को हमने दिखाया था कि तुम्हारी देख लो, तुम कितना भी दबंगई करोगे हम शांति से नहीं रहने वाले, हम बदल चुके हैं। और उस समय भी हमने अपने आप को रिप्रेजेंट करके उनके सामने दिखाया था। और हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं ये तो और भी आगे हैं, ये तो पूरे विश्व में सब लोगों से दोस्ती करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मालदीव से लगाए हर देश, छोटा बड़ा देश हर देश में घूमते हैं। शुरू शुरू में इनके ऊपर भी आक्षेप लगा गया कि नहीं ये तो खाली घूमने वाले प्रधानमंत्री हैं, नहीं ये वो है जो हर देश को साथ लेके चलने वाले हैं, अब समझ में सबको आता है। तो इसीलिए देखिए ये चीजों का रणनीति का बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है चीजें, मैं ये सब चीजें इतना डिटेल में क्यों बताता हूँ, ताकि वो चीजें आप लोगों को जानिए जो हम लोगों ने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हाल ही में जैसे मैंने कहा कि अमेरिका ने इनको जो जो पुरस्कार है जिसका नाम है लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करेगा। और सम्मानित तो करेगा, किस लिए करेगा, क्यों मोदी जी को दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है सर कि दोनों देशों की रणनीति साझेदारी को बढ़ाने के लिए, उनको भी हमारी जरूरत है हमें भी उनकी जरूरत है, और भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए उनके नेतृत्व को लिए दिया गया है। कोरोना महामारी में आप देख ही रहे हैं, एक राजा में जो गुण होने चाहिए वो गुण सभी में होने चाहिए। राजा का कर्तव्य यही है कि विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कैसे वो रिप्रेजेंट करता है, वही राजा के सबसे जबरदस्त गुण है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उभर के दिखाया और हम लोग वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए अग्रसर है हर फील्ड में। मुख्य बिंदु देख लिए क्या क्या हुआ है कि यह पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से दिया गया है। और गौरतलब है कि अमेरिका में भारतीय राजदूत जो है तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह पुरस्कार व्हाइट हाउस में प्राप्त किया। मोदी जी ने कहा कि भाई वहां बैठे हुए हो जाके ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो भाई हो गए हम लोग, अब तो हमारी वैसे ही बल्ले बल्ले हर जगह है, टेंशन ना लिया करो, नए वाले आए हैं जाइए, आप राजदूत हैं कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, आप जाइए ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आएंगे जब देखा जाएगा। ठीक है, जब बुलाया जाएगा प्यार से हम आएंगे, रेड कार्पेट बिछाएंगे हम आएंगे, स्वागत किया जाएगा हमारे तो आएंगे हम। ठीक है, तो ये होता है सीखने का हुनर, किसी व्यक्ति से आप सीख सकते हैं कि जिस व्यक्ति को वीजा नहीं दिया जाता है आज उसको बुला बुला के कहा जा रहा है कि सर आप आइए, आप आज उनके हमारे देश के राजदूत जाके बताइए पुरस्कार ले रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक है, सबका समय आता है, इनका भी समय आया, हमारा समय अब आ रहा है। और भी देखिए क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हमारे मोदी जी को तो मिला है, इसके साथ साथ जो हमारे ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी कमेंट करके आप लोग बताना है तो बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कोई कमेंट करना चाहता है तो प्लीज कमेंट करिए आप हमको। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है स्कॉट मॉरिसन साहब और जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है शिंजो आबे साहब को भी इनके साथ ही लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पिछले कुछ समय से भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया के संबंध अमेरिका से काफी मधुर बने हुए हैं और इन देशों के बीच सहयोग में काफी वृद्धि हुई है, चारों एक ट्राइविक बना रहे हैं चारों देशों मिलके, और सभी देश एक दूसरे से मधुरता इतनी अच्छी है, जब हमारे चाहे जापान हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो। और जैसे मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को तो दिया ही दिया गया है, इसके साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के भी जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम मॉरिसन है और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है शिंजो आबे, उनको भी लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पिछले कुछ साल से ये देखा गया कि भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सभी जबरदस्त तरीके से एक दूसरे का कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे से अच्छे समझौते कर रहे हैं, एक दूसरे को साथ लेकर चल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन सभी का अच्छा है और एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं और काफी वृद्धि देखने को मिला भी है। तो ये रहा पूरा डिटेल इसका।
और देखते हैं कि मोदी जी जैसा सत्ता में आए 2014 में, कोई बता सकता है कि सत्ता में कब आए 2014 में, किस महीने में, बताइए कोई तो बताओ। इतना डिटेल में आप लोगों को बताता रहता हूँ तो आप लोग का भी तो काम चलता है ना, चलना चाहिए ना। अच्छा बताओ, मेक इन इंडिया कब स्टार्ट किया गया, यही बता दो। मेक इन इंडिया आपने सुना होगा ना, मेक इन इंडिया का लोगो, मेक इन इंडिया जो बार बार मोदी जी आते स्टार्ट कर दिए, मेक इन इंडिया, स्वच्छता भारत अभियान, कितने अभियान वो चालू कर दिए, सबसे आया सबसे ज्यादा अभियान ही चालू कर रहे हैं। योजना का तो पूछना ही नहीं, कितनी योजनाएं हो चुकी हैं, जनधन खाता, बहुत सारी ऐसी योजना है। बाद में 2017 में 19 में चुनाव था, 17 में उन्होंने नोटबंदी भी कर दिया, बहुत सारे आरोप लगाए गए नोटबंदी क्यों कर दिया। खैर वो सब चीजों के लफड़े में हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बात करेंगे मोदी जी ने शपथ ग्रहण कब हासिल किया, यही बता दो 2014 में आए। कमेंट करके ये जरूर बता दो कि इस समय लोकसभा में, यही बता दो कि जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है कितनी बहुमत में, कितनी सीटें हैं उसकी, या महिला सांसद कितनी है, यही बता दो आप लोग मुझे। तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे, 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रदान किए गए जो वैश्विक पुरस्कार, जिस देश से वो पाए हैं, लोग कहते थे ना कि घूमने जाते हैं, वो घूमने नहीं जाते थे सर, वो रिलेशन सेट करने जाते थे, एक दूसरे देशों से जिन देशों को छोड़ा गया था उस देशों को पकड़ के लाने जाते थे, उन देशों से अपने संबंध स्थापित करने जाते थे। ऐसे बहुत सारे देशों में जिसमें आज तक कोई गया नहीं था कोई प्रधानमंत्री, उस देश में वो जाते थे। जितने पड़ोसी थे, पड़ोसियों की नीति जो हमारी जो पड़ोसी नेबरहुड पॉलिसी जो है उसको सही करने वो जाते थे, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे कोई भी देश हो, सबसे पहले वो जाते थे। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे नवाज शरीफ साहब, उनके पास भी चले गए, बहुत हल्ला हुआ, घूमने चले गए, लेकिन नहीं यार, वो हर तरीके से कोशिश किया उस बंदे ने, देश के प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने जो सेट किया है उसी का बेनिफिट है कि आज हम वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आज हमको लीजन ऑफ मेरिट और अवार्ड से, पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, और अमेरिका के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उभरता हुआ देश है, उभरता हुआ नेतृत्व है, जिसने विषम परिस्थिति में कोरोना महामारी में भी इतनी सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इन्होंने सही तरीके से अपने काम को किया है। उसके साथ साथ मैंने बताया भी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी दिया गया और जापान के प्रधानमंत्री को भी दिया गया, एक कोऑर्डिनेशन है इतने बड़े बड़े देशों का, तो जाहिर सी बात है मधुर संबंध होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, और पेपर उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस का एक क्वेश्चन उठा के देख रहा, क्वेश्चन कई बार पूछे गए और आपको जरूर जानना भी चाहिए, अगर कि देश के प्रधानमंत्री, देश के शीर्ष नेतृत्व को कोई पुरस्कार किसी देश के द्वारा दिया गया है तो आपको जरूर जानना चाहिए कि आखिर वो पुरस्कार दिया गया है तो किस किस देश के द्वारा दिया गया है, और किस किस देश से हमारे संबंध अच्छे हैं। जाहिर सी बात है जब संबंध अच्छे होंगे, जब हम अच्छा काम करेंगे, हो सकता है कुछ कोऑर्डिनेशन होगा, तो ही तो पुरस्कार किसी को दिया जाता है। देखिए, आमिर अमनुल्ला खान अवार्ड जो दिया गया था, अफगानिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उनके द्वारा दिया गया है, अफगानिस्तान के द्वारा। और आपको पता है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है, अफगानिस्तान में इतनी घटनाएं होती हैं, लेकिन हमारा देश सबसे पहले हम लोग फ्रंट पे खड़े होकर उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। और अफगानिस्तान के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम है आमिर अमनुल्ला खान अवार्ड जो है, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दिया गया है, ये भी अवार्ड दिया गया है अफगानिस्तान सरकार के द्वारा। तो अफगानिस्तान की राजधानी कौन है, कोई बता सकता है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, बता दीजिए, ठीक है। तो पहला जो पुरस्कार 2014 के बाद से मैं बता रहा हूँ कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं मोदी जी को, तो आमिर अमनुल्ला खान अवार्ड है, आमिर ही याद रखिए, आमिर खान याद रख लीजिए, क्या दिक्कत है, याद हो जाएगा। तो अफगानिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये दिया गया है, और भी देखते हैं। अगला देखिए, ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्लीज सास जो है, ये जो अवार्ड दिया गया है, सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भी मोदी जी को दिया गया है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सास सम्मान जो है वो मोदी जी को दिया गया है, सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान है, ये दिया गया है मोदी जी को। अगला है ग्रैंड कलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, जो फिलिस्तीन द्वारा विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, तो बेटा इसका नाम जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि बार बार ये सम्मान आपको आएंगे तो कम से कम आपको ये पता चलेगा कि सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, या फिलिस्तीन का विदेशी गणमान्य को जो देने वाला पुरस्कार कौन सा है। अगला जो था सियोल शांति पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार जो दिया गया है वो दक्षिणी कोरिया की सियोल पीस प्राइज फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है, दक्षिणी कोरिया, अभी तो बढ़िया उत्तरी कोरिया वाला कुछ नहीं दे रहा है, वहां तो एक ऐसा तनासा बैठा हुआ है जो कम मिसाइल डालते पता भी नहीं चले किसी को, ठीक है। तो दक्षिणी कोरिया की जो सियोल पीस प्राइज फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है, जिसका नाम है सियोल शांति पुरस्कार। अगला है चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, ये किसने दिया है, यह संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, और यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रदान किया जाता है,
ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रधानमंत्री जी 2014 में जब सत्ता में आए उसके बाद उन्होंने जितने भी पुरस्कार पाए वो सारे पुरस्कार मैं आप लोगों को एक ही जगह बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को याद रखिएगा कि किस किस देशों से हमारे संबंध कैसे हैं और हमारे देश के जो संबंध जाहिर सी बातें अच्छे होंगे, हम अच्छा उनके साथ डील करेंगे, उनके तरफ से सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो दिया गया, अब आप देखिए सऊदी अरब के द्वारा दिया गया, फिलिस्तीन के द्वारा दिया गया, साउथ कोरिया के द्वारा दिया गया, संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया गया, इवन अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा भी सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार भी मोदी जी को दिया गया है। और ये पेपर में लगातार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप यकीन मानिए जाके प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए और आप देखिए कि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए। और अब क्वेश्चंस ऐसे नहीं आ रहे बेटा डायरेक्ट, आपको 1 2 3 4 दे देगा और इधर ये दे देगा और इसी में पूछ देगा कि चलो ये बताओ कि सियोल जो शांति पुरस्कार है वो क्या यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया है, तो आपको क्लियर कट अगर पता रहे कि सियोल जो शांति पुरस्कार है वो साउथ कोरिया के द्वारा दिया गया है, सर साउथ कोरिया की सियोल पीस प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है, इसलिए इस चीजों को ध्यान से बारीकी से पढ़िएगा क्योंकि आजकल स्टेट पीसेस में भी क्वेश्चन को बड़े घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहां तक कोई डाउट है? अभी रिसेंटली ऑर्डर ऑफ द जायद पूछा गया था, चैंपियन ऑफ अर्थ भी पूछा गया था, क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप इसको देख लीजिए। कोई डाउट हो किसी को तो बता दो, कोई डाउट है किसी को तो बेहिचक आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारे मोदी जी पुराने वाले को पकड़ लिए, पुराने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब को बड़े अच्छे से पकड़ते हैं हमारे मोदी जी, मौका नहीं देते हैं। अगला हम बात करते हैं, आज से शुरू होगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो थोड़ा हम इसको बदल लेते हैं, ये 1 मिनट रुक जाओ बेटा, ये पकड़ लिया हमने। आज से शुरू होगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ISS 2020, आज से का मतलब अब शुरू होने वाला है, 25 दिसंबर को होगा और 25 दिसंबर का दिन जो होता है क्रिसमस डे का भी दिन होता है, 25 दिसंबर का वो दिन होता है जो सुशासन दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद में आएंगे, तो बहुत सी चीजें हैं 25 दिसंबर को। तो आज हम बात करेंगे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, यहां लिख भी देता हूं, देखो लिख बता भी दिया हूं कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का शुभारंभ होगा, तो जब होगा यह होने वाला है, पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है? आपको तो बस जानना है कि क्या होता है ये सब चीजें, उसका थीम क्या होगा, यहां तक कोई डाउट है बताइए, कोई भी डाउट, जितने भी अभी तक डाउट अगर दो टॉपिक पढ़ाया हो, दो टॉपिक के सब टॉपिक पढ़ाया हो, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, अगर डाउट हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है किसी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अमेरिका के राष्ट्रपति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जितने भी देश का नाम जैसे मैंने आपको बताया, ना इतने देशों का नाम जैसे सऊदी अरब है, तो कम से कम सऊदी अरब हमारे क्या रिलेशन है, या फिलिस्तीन के साथ क्या हमारे रिलेशन है, या हमारे साउथ कोरिया के साथ, या संयुक्त राष्ट्र के साथ, या संयुक्त अरब अमीरात के साथ, या जितने भी देशों के साथ हम अवार्ड पाए हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन क्या है, ये जरूर आपको जानना चाहिए। और बार बार तो ये सारी चीजें मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता ही रहता हूँ, और इंटरनेशनल रिलेशन का जब है चाहे सिक्योरिटी का है, तो आपको चीजें पता चल जाएंगी कि हमारे और उसके साथ कैसे संबंध है, आपके सर जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, बाकी तो मैं पूरा डिटेल आप लोग को बताता ही रहता हूँ, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, होने वाला है, तो तैयार रहिए और हम लोग पढ़ते हैं, कोई डाउट किसी को? हाँ बेटा, बीपीएससी में का पेपर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तैयारी करते रहिए आप सभी के सभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी परीक्षाएं दीजिए आप, देखो ये सब चीजें होती रहेंगी और अब इसका बहुत बड़ा रोल है, इसको इस तरह ना पढ़ो कि हम मंडे एग्जाम की तैयारी की तरफ पढ़ रहे हैं, पर पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे उसी में से क्वेश्चन पूछ देगा सब मंडे एग्जाम का ही, तो क्वेश्चन उसमें से निकल आएंगे, जितना दो टॉपिक पढ़ा है उसमें 40 से 50 क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ उसमें से, इसलिए उसका टेंशन ना लीजिए लोग, ठीक है? आप लोग आराम से पढ़िए, जिस तरह का तैयारी करता है, मैं यूपीएससी को ही डील करता हूँ तो पूरा डिटेल पढ़ाना पड़ता है, ठीक है? कम से कम उसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है? वेरी गुड, हाँ बिहार पीसेस का, हाँ ठीक, मैं समझ रहा हूँ आप लोग बार बार बोल रहे हो चीजें, हाँ अभी RO ARO का भी हुआ है पेपर में, हाँ मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, विधानसभा भरिए कोई दिक्कत नहीं है, हाँ विधानसभा RO ARO भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत, आप लोगों को जो करना करिए, अब मेरा काम जो पढ़ाना है पढ़ा दीजिए मुझे। आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ होगा, कब होगा भैया? इस उत्सव का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, यानी कि वर्चुअली तरीके से किया जाएगा, और देश के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान वे एक भाषण भी देंगे, क्योंकि शांति से हम उद्घाटन तो जब करेंगे तो शांति से तो बैठेंगे नहीं, वो मन की बात तो करेंगे, इसमें तो महारत हासिल है उनको,
देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छी ही बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, और आज हमारे देश को कहां से कहां टॉप पे लाके खड़े कर दिए। आज हम लोग एकदम लोकल ग्लोबल इकोनॉमी, और हम लोग कहां मतलब पहले थे, और आज हम लोगों ने जिन लोगों ने, ऐसा नहीं है कि आने से बहुत चेंजिंग है, मैं ये कहने ये चाहता हूँ कि जो लोगों ने रिफॉर्म किया उसको और आगे वो रिफॉर्म कर रहे हैं, और ये होना चाहिए, परिवर्तन के साथ बदलना जरूरी है। आज डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल क्रांति की हम बात कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान की हम बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हम बात कर रहे हैं, जनधन खाते की हम बात कर रहे हैं, बहुत सी चीजें की बात कर रहे हैं। खैर मैं उस मुद्दे पर नहीं आऊंगा, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जैसे मैंने कहा कि इसका आयोजन किया जाएगा, वर्चुअल तरीके से किया जाएगा, उद्घाटन मोदी जी हमारे करेंगे, और जाहिर सी बात है उसके बाद भाषण भी देंगे और उसके बारे में वो लोग संबोधन भी करेंगे। और इस महोत्सव का जो समापन होगा 25 दिसंबर को होगा, समापन समारोह को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू संबोधित करेंगे, यानी कि जब समापन होगा तो वेंकैया नायडू जो साहब जो है, जो जो हमारे उपराष्ट्रपति साहब है जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू, जो साउथ से आते हैं, देश के उपराष्ट्रपति है, पूरे भारत के उपराष्ट्रपति है वो, तो 25 दिसंबर को होगा समापन इसका। और दो सबसे इंपॉर्टेंट है थीम जानना कि भैया इसका थीम क्या, आखिर विषय क्या, क्योंकि पेपर में विषय बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसकी थीम है आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। आत्मनिर्भर बनिए, वैसे भी आजकल हमारे मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा तरह तरह के अभियान निकाले जा रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है कि आत्मनिर्भर बनिए, तो आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान क्यों जरूरी है, ये इसका महत्वपूर्ण थीम है, और पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेपर प्रीवियस ईयर को उठा के देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा थीम पूछे गए हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को भी, कोई भी डाउट डाउट हो तो पूछिए, कोई भी डाउट हो तो पूछिए। कम से कम यहां से 4-5 क्वेश्चंस निकल गए। पहली बात की भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया है और इसका समापन 25 दिसंबर को होगा, स्टार्टिंग करेंगे मोदी जी, एंडिंग करेंगे हमारे वो एम वेंकैया नायडू साहब जो उपराष्ट्रपति हैं, और जो इसका थीम है आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान की जरूरत है, ये इसका थीम है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, इंडिया इंटरनेशनल, ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, और विज्ञान बहुत जरूरी भी है। अब तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, डिजिटल क्रांति की बात हो रही है, तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की भी बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी होगा, साइंस होगा, बहुत सी चीजें होंगी, बहुत सी चेंजिंग होंगी, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। और आज देखिए हम डिजिटल तरीके से आपको पढ़ा भी रहे हैं, गाँव का सुदूर बैठा हुआ लड़का वो भी हो तो तैयारी अपने सपने को साकार कर सकता है अनअकैडमी के माध्यम से, तो हम लोग तो उसमें योगदान दे ही रहे हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो आप बता सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं, कोई डाउट है किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं, डाउट नहीं तो आगे बढ़िए। मुख्य बिंदु क्या है देखिए, दरअसल 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म दिवस है, सभी को पता भी है इस बात को, बताया भी था मैंने आपको, और इसी दिन से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत होगी, और इस महोत्सव का जो मैंने समापन 25 दिसंबर को होगा जब मैं बता ही चुका हूं, तो 22 से चालू होगा, 25 को खत्म हुआ, तो 22 दिसंबर को ही मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, वर्चुअल तरीके से किया गया, उद्घाटन किया गया, फिर भाषण भी दिया गया, बताया भी गया उसके बारे में, और 25 तारीख को समापन किया गया हमारे उपराष्ट्रपति के द्वारा, जैसे उनके किसके उपलक्ष्य में, महान गणितज्ञ श्री रामानुजन साहब के, महान गणितज्ञ उनके दिवस है, जन्म दिवस है उनके उपलक्ष्य में, और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्म दिवस 25 दिसंबर को है, सभी लोग जानते हैं 25 दिसंबर बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, और 25 दिसंबर आने वाला ही है, आपको सभी को पता है 25 दिसंबर बहुत क्रिसमस डे भी पड़ता है, 25 दिसंबर आपका हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्म दिवस है, और सुशासन दिवस भी मनाया जाता है, तो ये सारी चीजें 25 दिसंबर को होती है, तो उसी दिन इसकी एंडिंग भी की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव क्या है, थोड़ा सा इसको भी बात कर ले, जो बता ही चुका हूँ उसको बस शब्दों में देख लीजिए कि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, उसको बढ़ावा देने की बात की जाएगी, जाहिर सी बात है उसी को प्रमोट करने की बात की जाएगी, उसको बढ़ाने की बात की जाएगी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी बढ़ाने की बात की जाएगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक उत्सव है, और यह बताता है कि विज्ञान किस तरह से कम समय में भारत को विकास की ओर ले जा सकता है। और आज टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, आज टेक्नोलॉजी है तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और टेक्नोलॉजी ही है कि हम एक दूसरे को जान रहे हैं, पूरे विश्व के बारे में नॉलेज रख रहे हैं। आज जापान जैसा देश जिसके हिरोशिमा और नागासाकी में बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, इतना बड़ा अटैक होने के बावजूद भी उसने अपने टेक्नोलॉजी को बूस्ट अप किया, और उसने टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया, न कि अपने एरर्स अपनी कमियों को, वो जो कर रहा था उसके ऊपर जो अटैक हुए बहुत ही निंदनीय है, लेकिन उसने टेक्नोलॉजी को इतना बूस्ट अप किया कि उसका दिया हुआ ही आज हमारा दिल्ली मेट्रो है, उसका दिया हुआ ब्लड ट्रेन, हम लोग उस पर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं।
तो उसी को बढ़ाने की बात की जा रही है। रामानुजन के जन्म दिवस के अवसर पर इसको स्टार्ट किया गया है, और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, सुशासन दिवस जिसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिस अटल बिहारी वाजपेयी के दिन, उस दिन एंडिंग इसका किया जाएगा। तो दोनों लोग को एक दूसरे याद भी कर लिया गया है, ठीक है। और जो थीम भी बड़ा इंपॉर्टेंट रखा गया, आत्मनिर्भर भारत और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, यही सब चीजें हैं। तो इस चीजों को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? तो ये वही मैंने कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और उसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, कि ताकि भारत का भी एक जो पोजीशन है, उस पोजीशन को और आगे बढ़ा सके। और यह बताता है कि विज्ञान किस तरह से कम समय में, जाहिर सी बात है, कम समय में ही विकास की ओर बढ़ा रहा है, और विकास तो वैसे भी खोजा जा रहा है। तो इसको आप आराम से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, मंत्री जी का नाम कोई बता सकता है तो बता दे, कोई प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है हमारे? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञान भारती के साथ मिलकर उत्सुकता को प्रेरित करने और सीखने को और अधिक फायदेमंद बनाने के लिए एक अनूठा मंच बनाया है, और इस अनूठा मंच पे ये सब चीजें काम की जा रही है, और उसी को प्रमोट करने के लिए 22 और 25 दिसंबर स्टार्टिंग और एंडिंग, किसके स्टार्ट कौन करेगा, एंडिंग कौन करेगा, क्या उसका थीम होगा, किस लिए काम किया जाएगा, किसके लिए काम किया जाएगा, ये सब सारी चीजें बता दी गई हैं। महत्व भी देख लिए कि किसी भी देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को व्यक्त करने के लिए विज्ञान उत्सव प्रचार कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। भाई सारे देश में, हमारे देश में क्या, पूरे विश्व की बात की जा रही है इसमें। तो जिसके पास टेक्नोलॉजी होगा, जिसके पास साइंस होगा, जिसके साथ इनोवेशन होगा, वही देश तरक्की भी करेगा, कम समय में अपनी चीजों को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, और हम उसमें अग्रसर हैं ही। और वैसे भी भारतीय तो हर काम में वैसे भी एक्सपर्ट रहते हैं। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आईटी पेशेवर भारत के ही है, किसी भी देश में। आज अमेरिका की भी इकोनॉमी की भी सबसे बड़ा योगदान हम लोग भी देते हैं, और हमारे जितने भी टेक्निकल बंदे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो किसी भी पेशे में हो, हर जगह हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ही देन है कि हमारी जो प्रतिभा है, हमारी जो जो काम करने की हनक है, हर जगह है, पूरे विश्व में है, और ये सभी लोग इसका लोहा मानते हैं, ठीक है। तो सभी लोग जानते भी होंगे। और यह आविष्कारों वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को नागरिकों और छात्रों के साथ निकटता से बातचीत करने का मौका प्रदान करता भी है, और सरकार इसमें पूरा फोकस भी कर रही है। अटल इनोवेशन मिशन, बहुत सारी चीजें चलाई जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे का उसका टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इनोवेशन पर ध्यान दे रहे हैं, और सरकार इसके लिए पूरा अग्रसर है, और काम अच्छे से हो भी रहा है। हम लोग भी टेक्निकली बात बात कर रहे हैं, टेक्निकल टर्म में चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, और एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं डिजिटल क्रांति में ही हम एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं, कि किसी भी बच्चे को, कहीं गांव के किसी भी छोर में बैठा हुआ बच्चा, अगर उसको अपने सपने को साकार करना है, तो किसी महानगर जाने की उसको अब जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के इंडिया के टॉप एजुकेटर से क्लास कर सकते हैं, वो भी आपके साथ बैठे हुए हैं, आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भी टॉप एजुकेटर अकेडमी आपको वो टॉप दे ही रहा है, ये भी प्रचार में कर दिया। और बेटा एक चीज और प्रचार में कर दूं, आप लोगों को बता भी दूं, प्रचार क्या है बेटा, ये आशीर्वाद है। अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, मैं मिल जाऊंगा, इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्लास की टाइमिंग, क्लास का डेट, क्लास का पीडीएफ, सब कुछ इसी टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। चाहे मेरी क्लास अनअकैडमी के ऐप पर लगे, चाहे मेरी क्लास अनअकैडमी यूट्यूब पर लगे, जब यहाँ भी लगे आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा भी सकते हैं, PJ01, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, किसी को भी डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट है किसी को? डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, जम्मू कश्मीर के बारे में क्या कहना। जम्मू कश्मीर धारा 370 35 ए, और जम्मू कश्मीर जैसे मैंने कहा भी कि अब तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। यहां तक कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ा जाए, ठीक। तो जम्मू कश्मीर, जैसे मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो सबसे पहला आपका काम यही होना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित जो प्रदेश हुए हैं, वहां के उपराज्यपाल का नाम एक बार हमको कमेंट करके बता दीजिए, तब हम चीजों को आगे बढ़ाएं कि जम्मू कश्मीर में पहले जिला विकास परिषद का चुनाव संपन्न हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, उस जम्मू कश्मीर में जो इतना विवादित मुद्दा था धारा 370, जिसको लेके इतना दिन से चल रहा था चीजें कि खत्म होगी कि नहीं होगी, लेकिन देश के शीर्ष नेतृत्व ने वो करके दिखा दिया है कि यार वो चीजें भी हो सकती है, ठीक है। कुछ ऐसे मुद्दे थे जो बड़े जटिल मुद्दे थे, और किसी भी देश के नागरिक हो, चाहे कहीं के भी नागरिक हो, उसको 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 फ्रीडम के साथ जीने का हक है, उसको उसके जो फंडामेंटल राइट्स वो मिलने का उसको हक होना चाहिए, और वो चीजें थी। और खैर उस पर तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले आप मुझे ये बताइए कि वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के और लद्दाख के इस समय उपराज्यपाल कौन है, कमेंट कीजिए बताइए, क्योंकि हर चीज मैं बता दूंगा तो फिर आप लोग क्या बताएंगे, ये भी जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी है, बताइए। बताती रहे, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत अच्छी बात है, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया,
और कोई ये वहां चुनाव हो रहे हैं, वहां शांति हो रही है, और कभी कहा जाता था जम्मू कश्मीर में अमन नहीं है, वहां पे चैन नहीं है। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टूरिज्म बताइए, टूरिज्म का बिजनेस जो उसका है, जम्मू कश्मीर टूरिज्म, लोग वहां घूमने जाते हैं, लोग वहां दर्शन करने जाते हैं, लोग वहां पे वो चीजें हैं, केसर की खेती है, डल झील है, क्या नहीं है वहां पे, देश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है भारत का। और वहां पे अमन चैन नाम की कोई चीज नहीं थी, आप सभी को पता है। खैर उस मुद्दे पे मैं ज्यादा नहीं आऊंगा, मैं जो मुद्दा है उस पे रहूंगा तो ये अच्छा है। और जो वहां पे चीजें थी, आपको पता है कि बहुत सारे युवा थे जो प्रतिभावित थे, उन युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाना था, और मेन स्ट्रीम में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि कम से कम बच्चे वो चीजों को समझें, और हो भी रहा है। पहले क्या होता था और अब देखिए कितना अंतर हो गया चीजों को लेके। ठीक है, तो चीजें अगर सही तरीके से किया जाए तो वो चीजें बदल भी सकती है, और बदलने की पूरी कोशिश सरकार के द्वारा की भी जा रही है। हाँ वेरी गुड, हाँ सभी लोगों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। हाँ इसमें मनोज सिन्हा सर है, वेरी गुड, और हाँ बिल्कुल माथुर साहब है वहां पे, हाँ लद्दाख में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा भी कर लेते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहले जिला विकास परिषद DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव संपन्न हुए हैं, और यह जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद होने वाले पहले चुनाव है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जब विभाजन, जो मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, तो उसके बाद ये पहला ऐसा चुनाव हुआ है जिसका नाम है जिला विकास परिषद का चुनाव, संपन्न हुए हैं। और इन चुनाव के लिए वोटों की गिनती 22 दिसंबर 2020 को हो जाएगी, और तो हो ही गई है। ठीक है, 22 दिसंबर को गिनती हुई। मुख्य बिंदु देख लेते हैं क्या क्या हुआ भैया, कि जिला विकास परिषद का चुनाव जो है, मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में घोषित कर दिया गया सरकार के द्वारा, उसके बाद ये पहला चुनाव है वहां पर, जहां पर लोग कहते थे चुनाव सही से नहीं होता है, जहां पर लोग कहते थे कि यहाँ के युवा प्रतिभावित, जहाँ के लोग कहते थे अमन चैन नहीं है यहाँ पे। आज क्या है, वहां पे जाके स्थिति देखिए, कौन सा युवा नहीं चाहता है कि हम सही तरीके से रहे, अगर सरकार उसको अच्छे तरीके से उसको हर सुविधाएं देंगी तो कौन नहीं चाहता है रहना, चाहे वो देश कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, हर देश के युवा चाहते हैं, वहां का यूथ चाहता है कि सही तरीके से चीजें मिले, सरकार के द्वारा जो मूलभूत सुविधाएं वो मिले उसको, ये तो पॉलिटिशियन ये सब करते हैं चीजें। तो खैर उस मुद्दे पे हम नहीं आएंगे, पहले जो है वो पढ़ लेते हैं। जिला विकास परिषद का जो चुनाव है 28 नवंबर को शुरू हुआ था, और इन चुनाव का जो आयोजन है 8 चरणों में किया गया है, जिसमें पहले चरण में 51.76% मतदान दर्ज किया गया, और DDC चुनाव के पहले चरण में जम्मू में 64.2% मतदान हुआ। तो देखिए इतने परसेंटेज के मतदान हुए, ये इंपॉर्टेंट है, और मत देना तो सभी का कर्तव्य भी है, ये आपका अधिकार है, आप जाइए अपना मत दीजिए, चुनाव में जो लोग खड़े हैं उनको देखिए, और जो अच्छे हों प्रत्याशी को वोट दीजिए, ये तो आपका अधिकार है। और भारत में तो सबसे अच्छी बात है कि सबका अधिकार सबका इक्वल है, हम वोट दें चाहे आप वोट दें, सबका बराबर इक्वल अधिकार है। तो ये चीजें वहां पर अगर चुनाव हुई है और पहली बार हुई है तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे मैंने कहा कि 22 दिसंबर से गिनती चालू हुई है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वहां पे चुनाव, अमन और शांति, वहां के लड़के, वहां के युवा और वहां के लोग, और वहां पे जो जैसे मैंने कहा कि भारत का स्विट्जरलैंड है जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तो लोग जाते ही, अब तो केंद्र शासित प्रदेश भी हो गया है, तो वो चीजें होंगी, तो कहीं ना कहीं विदेशी टूरिज्म जितने भी लोग हैं, क्योंकि जहां अमन होगी जहां शांति होगी वहीं पे लोग टूरिज्म होगा, वहां पे लोग और ज्यादा आएंगे घूमने आएंगे, क्योंकि वो घूमने के पर्पज से आते हैं, तो वहां के लोकल जो लोग हैं उनको भी तो बढ़ोतरी होगी उनके इकोनॉमी में, सरकार के द्वारा तरह तरह के प्लान्स लाएंगे, प्लान्स होगा वहां पे, जाहिर सी बात है इंडस्ट्री की तो छोड़ दीजिए अभी, अभी मैं वहां पे जो भी चीजें होंगी अगर टूरिज्म को लेके ही कुछ चीजें होंगी, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो 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 परसेप्शन है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वो और भी बढ़ेगा और अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि शांति लोग सभी घूमने क्यों जाते हैं, क्योंकि शांति होनी चाहिए वहां पे, और वो शांति के लिए सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाए भी गए हैं। खैर आगे इस पे बात करेंगे, चुनाव भी हुआ है उसके बारे में हम लोग बस बात कर लेते हैं। चलिए और आगे बात करते हैं, देखिए चुनाव में सभी लोग खड़े हैं, कितने अच्छे लोग हैं, मास्क लगा के खड़े हैं। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं, तो वही सब चीजें हैं, बस इतना जानिए तो बहुत ज्यादा है कि एक चरण जो है, अन्य चरण 1 दिसंबर 4 7 10, ये सब चीजें देख लीजिएगा, बस इतना रहा, सभी मिलाकर बस इतना जानिए 51% मतदान हुए, और पहले चरण में कश्मीर डिवीजन के तहसीलों में 40.6% मतदान किए गए, दूसरे चरण में इतना, तीसरे में इतना, ये सब चीजें देख लीजिएगा, चरण क्या करेंगे जान के, मेन जानिए कि चुनाव हुआ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जम्मू और कश्मीर का विभाजन सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जम्मू और कश्मीर 2020 में केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जिसमें मैंने कहा कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था, उसके बाद पहला यह चुनाव हुआ है, और जम्मू और कश्मीर में एक विधायिका है जबकि लद्दाख कोई विधायिका नहीं है।
ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और जानना भी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में एक विधायिका है जबकि लद्दाख में कोई विधायिका नहीं है, तो ये चीजें सभी लोग जानते भी हैं। अगला हम बात कर लेते हैं, मुक्केबाजी विश्व कप में भारत ने जीते हैं 3 स्वर्ण पदक। ठीक है, मैंने कहा था ना कि मैं चेंजिंग के साथ कुछ पढ़ाऊंगा क्योंकि पेपर है बहुत सारे बच्चों के, तो पेपर है तो मैं चाहता भी हूँ कि सारे बच्चे जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं पेपर को अच्छे से पढ़ाई करें, और पेपर बहुत जरूरी है क्योंकि सबके मेंस हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं वो जगह, और समय की कमी है सभी बच्चों के पास, इसलिए मैंने कहा कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट करके ही बनाऊंगा, कम से कम टॉपिक को लेकर चला जाएगा और अच्छे से खेला जाएगा, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितना देना चाहिए उतना आप लोगों को कंटेंट दे दे रहा हूँ, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं, आपको देखने का नजरिया क्या है। तो मुक्केबाजी विश्व कप में भारत ने जीता है 3 स्वर्ण पदक। तो क्या है मुक्केबाजी का इतिहास थोड़ा देख लेते हैं हम, कि हाल ही में संपन्न हुए मुक्केबाजी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन भारत ने किया है और शानदार प्रदर्शन के ही दम पर भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, और इस कार्यक्रम का आयोजन जर्मनी के कोलोन में किया गया है। जर्मनी की बात आई है तो बताइए जर्मनी की इस समय वर्तमान में जर्मनी की राजधानी क्या है, बताइए जर्मनी की बात आई तो जर्मनी की राजधानी बताओ। और इसका समापन 20 दिसंबर 2020 को हुआ था, ये यानी कि जो समय जो ये जो सम्मेलन है जो ये किया गया है मुक्केबाजी विश्व कप में जो भारत सम्मेलन में आयोजन जो किया गया सॉरी वो आयोजन आपके जर्मनी के कोलोन में किया गया है, और इसका समापन 20 दिसंबर 2020 को ही समाप्त हो गया है जिसमें भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते, और इस प्रतियोगिता में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक जीते हैं जिसमें से 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल है, और ये पेपर में पूछे जाते हैं, इसी में घुमा फिरा के पूछ देगा कि टोटल अगर 9 पदक है तो इसमें पूछ देगा कि क्या 3 पाए हैं कि 4 पाए हैं, तो ये जरूर जानिएगा कि 3 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है और 4 कांस्य पदक है, यही घुमा फिरा के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। और मुक्केबाजी विश्व कप में मैरी कॉम जानते हैं आप सभी लोगों ने पढ़ा भी, उनके ऊपर पिक्चरें भी बन चुकी है, कोई बता सकता है कि मैरी कॉम कहाँ से आती है? सबका छोड़ दिया, मैरी कॉम का ही बताइए मुझे, पहले मैरी कॉम को बता दो ना मुझे कहाँ से आती है, उनके ऊपर तो पिक्चरें भी बन चुकी हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और हाँ पूर्वोत्तर से आती है, पूर्वोत्तर में कहाँ से आती है? वेरी गुड, इतना तो जरूर जानना चाहिए आप लोगों को। इस प्रतियोगिता में भारतीय मुक्केबाज जो है सिमरनजीत कौर जो है महिला 60 किलोग्राम में, अमित पंघाल पुरुष में 52 किलोग्राम में, और मनीषा मौना मौन जो है महिला 57 किलोग्राम ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। खैर इसमें मैरीकॉम से मैं अभी नहीं, मैं इसलिए कहा कि कम से कम बच्चा तो पहले जानता है ना मैरीकॉम का नाम तो सुना होता है, सिमरन कौर का भी नाम सभी लोगों ने सुना होगा, वो कहाँ से आती है बता दो। तो 3 लोगों ने जो स्वर्ण पदक जीते हैं, पहले बेटा ये ध्यान थोड़ा कंफ्यूजन मत रखना, मैं तो वैसे ही पूछ लिया था कि मैरीकॉम कहाँ से आती है, तो भारतीय मुक्केबाजी में जो सिमरनजीत कौर जो है जिन्होंने महिला 60 किलोग्राम में पाया है इन्होंने, अमित पंघाल साहब है जो पुरुष वर्ग में आते हैं 52 किलोग्राम वेट में आते हैं, और मनीषा मौन जो है वो जो आपकी जो है महिला वर्ग में 57 किलोग्राम ने अपने अपने भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो 3 लोगों का नाम याद रखिएगा, सिमरनजीत कौर, अमित पंघाल और मनीषा, 3 लोग हैं, तीनों का नाम याद रखिएगा। और गौरतलब है कि वर्तमान में अमित पंघाल AIBF फ्लाईवेट वर्ल्ड श्रेणी में शीर्ष स्तर के मुक्केबाज भी हैं। तो जो अमित साहब है जो 52 किलोग्राम के जो है वेट वाले जो खेलते हैं, ये इस समय AIBA में फ्लाइट वेट वर्ल्ड श्रेणी में ये शीर्ष स्तर पर है, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने में भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया और स्वर्ण पदक जीते भी हैं, और भारत को एक हमको खुशी का अनुभूति महसूस कराने में योगदान दिया है। यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई भी डाउट? टोटल 9 पदक है जर्मनी की कोलोन में किया गया है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर, डाउट नहीं है तो। और देखिए इसके साथ ही साथ सिमरनजीत कौर भी AIBF महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता भी हैं, और सतीश कुमार 91 किलोग्राम ने रजत पदक जीता है, वह चोट के कारण उन्हें फाइनल में से पीछे हटना पड़ा, और पूजा रानी का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा महिला 75 किलोग्राम, गौरव जो है 57 किलोग्राम, सोनिया जो है महिला 57 किलोग्राम, मोहम्मद खुशमुद्दीन जो है 57 किलोग्राम ने अपने अपने वर्ग में 4 कांस्य पदक जीते भी हैं। तो रजत पदक, कांस्य पदक और स्वर्ण पदक, तीनों का मैंने बता दिया है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा इसमें ज्यादा समझाना नहीं है, बस आपको जितने 9 पदक मिले हैं जिसमें स्वर्ण पदक कितने हैं, रजत पदक कितने हैं, कांस्य पदक कितने हैं, स्वर्ण पदक कौन कौन तीनों पाए हैं, रजत पदक कौन कौन पाए हैं और कांस्य पदक कौन कौन पाए हैं, ये भी आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को भी, कोई भी डाउट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं तब। चलिए वर्तमान रैंकिंग क्या है ये देख लीजिए, यूरोपीय मुक्केबाजी परिषद यूरोपियन यूबीसी रैंकिंग के अनुसार क्यूबा के जोहानिस आस्कर अरिगेल्स पैरेस ने
46 किलोग्राम श्रेणी में शीर्ष क्रम के मुक्केबाज हैं और महिला वर्ग में कजाकिस्तान की नाजमी काजीवे 45 से 48 किलोग्राम में शीर्ष मुक्केबाज है। तो वर्तमान की रैंकिंग टूटे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूं तो यूरोपीय मुक्केबाजी जो परिसंघ में रैंकिंग अनुसार ये बताया गया है कि जो क्यूबा के रहने वाले जो है ऑस्कर साहब, जिनका नाम है जोहानिस ऑस्कर अर्गिलिस पेरेज जो है, उन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और महिला वर्ग में कजाकिस्तान की रहने वाली नाजीम जो है उन्होंने शीर्ष स्थान मुक्केबाजी में प्राप्त किया है। ये शीर्ष रैंकिंग है, हम भारत की रैंकिंग की बताई चुका हूं आपको। भारत के जो तीनों हैं उन तीनों का नाम पढ़ लीजिएगा, चाहे वो रजत वाले हो, चाहे कांस वाले हो, चाहे वो स्वर्ण पदक हो, और पूरे वर्ल्ड लेवल की जो मैं बात की है उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, किस किस देश से वो लोग आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा और जानिए कि एआईबी क्या है, एआईबीए क्या है, जिसमें मैंने कहा था कि वर्ष स्तर क्यों है। तो अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एआईबी की स्थापना जो है 1946 में की गई थी। एआईबीएफ अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी जो संघ है उसकी जो स्थापना किया गया था 1946 में किया गया था और वर्तमान में उम्र नौरोजी को क्रेमलेव जो है एआईबीए का अध्यक्ष है। तो जिनका नाम है उम्र नजरविजी क्रेमलेव, इनका नाम ही ऐसा है, तो ये अध्यक्ष है इसके। और यह संगठन अमेजर बॉक्सिंग मैचों को स्वीकृति देता है और इसका मुख्यालय जो है लॉजन स्विट्जरलैंड में स्थित। AIBA, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, पेपर में हो सकता है ये भी पूछा जाए, और नहीं पूछा जाता ये सब चीजें तो खैर कम से कम ये तो जरूर जानिए किस समय कब इसकी स्थापना हुई, क्योंकि जब स्थापना हुई इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वर्तमान में कौन इसके अध्यक्ष है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम है क्रेमलेव, इतना याद रखिएगा, क्रीम लगाते भी है आपको, तो क्रेमलेव इसके अध्यक्ष है, जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए, इसका जो मेन है कि मुख्यालय हेडक्वार्टर वो आपका स्विट्जरलैंड में है, लाजेन स्विट्जरलैंड में। अगला जो है भारत और जापान को जो संवाद सम्मेलन हुआ, थोड़ा सा इसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारे संवाद बहुत जरूरी है किसी भी देश के लिए। ठीक है, 21 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअली 6वें भारत जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित किया गया और भारत जापान संवाद सम्मेलन की शुरुआत 2015 में की गई थी। मैंने कहा भी है कि 2014 में मोदी जी के आने के बाद हमारे और सारे देशों के बीच में जो संबंध है बड़े मधुर हुए हैं और जापान उसमें से एक है। जापान के प्रधानमंत्री जब आए थे शिंजो आबे साहब, देखिए तो बड़ी खुशी, बहुत उनको घुमाया भी गया था, अहमदाबाद भी घूमे, बनारस में भी घुमाया गया और बहुत सी चीजें हुई और बुलेट ट्रेन पे भी बात हुई। एक बुलेट ट्रेन तो प्रस्तावित है, दूसरे पे भी सर्वे चल रहा है। कोई बता सकता है कि पहली बुलेट ट्रेन कहाँ पे बात की गई थी, कौन से रूट पे चलेगी? पहली जो बुलेट ट्रेन की बात है जापान टेक्नोलॉजी के अनुसार, जो पहली बुलेट ट्रेन की जो हम लोगों ने बात किया है वो कौन से रूट पे प्रस्तावित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तभी हमारे मोदी जी ने 21 दिसंबर 2000, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अहमदाबाद और कहां, अहमदाबाद और किस रूट पे है बेटा बुलेट ट्रेन? और दूसरी अभी हाल ही में पढ़ाया था कि दिल्ली और बनारस के रूट पे चलने वाली है, अभी वो सर्वे की जा रही है क्योंकि उसका नया जाल बिछाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ये चीजें जरूर आप लोग जानिए। तो 21 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री, जैसे मैंने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली 6वें भारत जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित किया और भारत जापान जो संवाद सम्मेलन की शुरुआत 2015 में की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था, मानवतावाद, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, अहिंसा के साझा मूल्यों पर विचार विमर्श करना है। तो वर्चुअली तो जाहिर सी बात है, हम तो मानवता के पुजारी भी हैं, वो लोग भी अहिंसा के पुजारी हैं, हम लोग भी अहिंसा के पुजारी हैं, क्योंकि हिंसा की बात ही हम लोग नहीं करते हैं, वो लोग तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, बड़े लिबरल लोग हैं। और मैंने वही कहा कि जापान से सीखने वाला देश है जापान, जो मैं बार बार कहता हूं कि जिसने हिरोशिमा और नागासाकी जैसा अटैक झेला उसके बाद अपनी टेक्नोलॉजी को उसने पुष्ट अप किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए कहा कि 6वां सम्मेलन हुआ है और ये जो 2015 में इसकी शुरुआत जो की गई थी और बार बार शुरुआत होती है, तो जाहिर सी बात है जब दोस्त एक दूसरे से सहयोग होगा, दूसरों के सहयोग से हम चलेंगे, तो जाहिर सी बात है दोनों देश तरक्की करेंगे। और इसका जो उद्देश्य यही है कि मानवतावाद की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, स्वतंत्रता की बात हो, अहिंसा और के साथ मूल्यों को विचार विमर्श करना है। और वो आए थे, घुमाए भी थे हम लोगों ने, तो मुख्य बिंदु इसका देख लेते हैं, ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सभी लोग जानते भी हैं। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने संवाद का समर्थन करने के लिए जापान का आभार व्यक्त किया है और इस सम्मेलन के दौरान बौद्ध विरासत चर्चा का केंद्र रही है, क्योंकि आपको जानते हैं ना कि बौद्ध का जो तीर्थ स्थल है, जैसे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है हमारा कुशीनगर में, जैसे कुशीनारा बड़ा प्रिय स्थान है, मतलब उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए तो आध्यात्मिक जगह है, वो लोग आते भी हैं, घूमते भी हैं, तो एक हमारा मधुर संबंध है उनके साथ। ठीक है, तो अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने संवाद का समर्थन करने के लिए जापान का आभार व्यक्त किया है और इस सम्मेलन के दौरान बौद्ध विरासत चर्चा की केंद्र रही, क्योंकि उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी, हमारे लिए भी वो आदरणीय है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री जी ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को बढ़ावा देने में इसके प्रयासों की सराहना भी की है, क्योंकि गौतम बुद्ध हमेशा अहिंसा के पुजारी रहे।
ठीक है, सब सभी धर्मों के साथ चलने की बात उन्होंने किया है, हिंसा नहीं करने की उन्होंने बात किया है, ठीक है, सत्यव्रत सब जानते होंगे उनके बारे में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और जाहिर सी बात है ये लोग बहुत मानते भी हैं ये चीजें, ये केंद्र बिंदु भी था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पारंपरिक बौद्ध साहित्य और शास्त्रों के एक पुस्तकालय का भी प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है, और भारत इस तरह के पुस्तकालय का निर्माण करेगा और उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो ये हमारे मोदी जी में तो वैसे भी कला है, हर चीज में कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं, बता भी देते हैं कि देखो भाई ऐसे ऐसे हम करने वाले हैं, आप टेंशन एकदम मत लीजिएगा, हम आपके साथ हैं, हम और आप तो एकदम अहिंसा के पुजारी हैं। ये सब चीजें होनी भी चाहिए और सभी देशों को ऐसा सोचना भी चाहिए, क्योंकि जब संवाद होगा एक दूसरे की भावनाओं के बारे में हम जानेंगे तो ही देश तरक्की करता भी है। और हमारे जापान के बहुत अच्छे संवाद है, बहुत मधुर संबंध है हमेशा, और एक गाना भी चला था मेरा जूता है जापानी, आपने शायद सुना भी होगा। तो खैर हम उस जमाने की बात कर रहे हैं, हमारे तो ऐसे ऐसे गाने हैं कि किसी देश के बारे में तो बहुत सी चीजें हैं। खैर चलिए उसके बाद नहीं करेंगे, हम सीधे इस पे आते हैं कि पारंपरिक बौद्ध साहित्य और शास्त्रों के एक पुस्तकालय का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है, और इस तरह के पुस्तकालय का निर्माण करेगा और उसके लिए जो संसाधन जो है उपलब्ध कराया जाएगा, और यह पुस्तकालय बौद्ध साहित्य पर विभिन्न देशों से साहित्य और धर्मग्रंथों की डिजिटल प्रतियां एकत्र करेगा और उसका अनुवाद भी करेगा, और बाद में ये प्रतियां बौद्ध भिक्षु और विद्वानों को प्रदान की जाएंगी। तो ये मोदी जी के द्वारा आराम से कहा गया है कि देखो भैया, हम आपके लिए जो आपके बौद्ध साहित्य है, जो बौद्ध शास्त्र है, उसके लिए हम एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करने वाले हैं, उसकी प्रस्तुति की बात करने हैं, और इस लाइब्रेरी में होगा क्या, उसका निर्माण जब हम करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए संसाधन भी उपलब्ध कराया जाएगा। भाई जाहिर सी बात है वो तो करना ही है, और उस पुस्तकालय में लाइब्रेरी में बौद्ध साहित्य पर पूरे भी भविष्य की बात हम बात करें, विभिन्न देशों से साहित्य और धर्म ग्रंथों की जो डिजिटल प्रतियां, उस प्रतियां को लाया जाएगा, एकत्र किया जाएगा और उसका अनुवाद ट्रांसलेट भी किया जाएगा, क्योंकि हर देश से अपनी अपनी भाषा में रहेगा वो, तो उसका अनुवाद भी करना जरूरी है ताकि सबको समझ में आए चीजें, और बाद में यह जो प्रतियां किया जाए क्या किया जाएगा, जो भी हमारे बौद्ध भिक्षु हैं चाहे विद्वान है, उन विद्वानों को दिया जाएगा। यहां तक कोई डाउट? ये हमारे संबंध है, बड़े मधुर संबंध है हमारे, ठीक है, संबंध तो हम सबसे बना के चलते हैं। और भी देख लीजिए संबंधों की अगर हम बात करें तो भारत और जापान ने सितंबर 2020 में दोनों देशों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के आदान प्रदान की अनुमति के लिए एक्विशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। रिसेंटली किया गया है, सितंबर 2020 में किया गया है, और भारत और जापान जाहिर सी बात है क्वाड समूह के सदस्य भी हैं, और इस समूह के अन्य सदस्य ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी हैं। ये सभी लोग जानते हैं, क्वाड के बारे में पढ़ा भी चुका हूं कि भारत और जापान दोनों क्वाड के सदस्य भी हैं, और इस समूह के अन्य जो सदस्य हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी इसके सदस्य हैं, और हाल ही में क्वाड देशों ने मालाबार नामक एक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया, और इस नौसैनिक अभ्यास का आयोजन जो है अरब सागर में किया गया है, और ये पूछा जाता है क्वेश्चन में मालाबार जो जो संयुक्त अभ्यास है वो नौसैनिक अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ है, और इसका जो आयोजन किया गया है इस साल अरब सागर में किया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत और जापान क्वाड के सदस्य हैं, और जैसे मैंने कहा क्वाड के सदस्य हैं, और हमारे तो उनके बीच में बहुत सारी चीजों पे एग्रीमेंट भी हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि आपूर्ति और सेवाओं के आदान प्रदान की अनुमति के लिए अभी रिसेंटली सितंबर 2020 में इक्वेशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी हम दोनों ने किया है, मैंने हमारे पीएम और उनके पीएम ने, और मैंने ये भी कहा कि दोनों सदस्य हैं। इसके अलावा आपके ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी इसके सदस्य हैं, अभी हाल ही में पढ़ाया ना, अभी तो रिसेंटली आज ही पढ़ाया मैंने आप लोग को, और जैसे मैंने कहा कि अब आपने पढ़ा भी होगा कि जो जो लीजन वाला अवार्ड जो दिया गया अमेरिका के द्वारा हमारे ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति को भी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी दिया गया, सॉरी, और जापान के भी दिया गया था, और दोनों एक दूसरे से सबसे मधुर संबंध भी चल रहे हैं हमारे, तो क्वाड के सदस्य हैं, और इन समूह के ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी इसके सदस्य हैं, ये बता भी चुका हूँ, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को दिया गया और अमेरिका के उसके जापान को भी दिया गया था, क्योंकि भारत और जापान दोनों, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया तीनों को दिया गया अमेरिका के द्वारा, तो चारों देश तो है ना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अमेरिका तो आपका ऑलरेडी है क्वाड में, आपके ऑस्ट्रेलिया भी है आपके, चलिए कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए बेटा, जापान भी है आपका और भारत भी है, और भारत को मिला है, जापान को मिला है, ऑस्ट्रेलिया को मिला है अमेरिका के द्वारा, जो अवार्ड जो दिया लेजन ऑफ मेरिट वो दिया गया है इस साल, यही पढ़ाया था मैंने अभी अभी रिसेंटली आज ही के वीडियो में, 30 चीजों को आप लोग देख लीजिएगा, और जो अभ्यास किया गया मालाबार नौसैनिक का अभ्यास किया गया वो अरब सागर में किया गया, यही पढ़ाया मैंने, संयुक्त सैन्य अभ्यास उसमें सभी लोग आए थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को बताया, भाई नौसैनिक अभ्यास है तो जाहिर सी बात है अभ्यास एक साथ ही मिलकर करेंगे ना, एक्सरसाइज जो होता है तो जो रूटीन एक्सरसाइज हर साल किया जाता है वो इस साल अरब सागर में किया गया, जिसका नाम है मालाबार नौसैनिक अभ्यास, एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, संयुक्त का मतलब होता है सभी लोग एक साथ जुड़ के काम करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो इन चीजों को आप आराम से देख लीजिएगा। भारत जापान संबंध भी बता दिया, क्वाड क्या है, कौन कौन से देश है, कौन कौन से अभ्यास किए गए हैं, उस अभ्यास का नाम क्या है, कहाँ पर किया गया है, सारी चीजों को इसके थ्रू आपको बता दिया गया।
आराम से पढ़ लीजिएगा, टेंशन ना लो आप लोग। और लास्ट टॉपिक है बेटा, टेंशन ना लो, मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो बहुत शॉर्ट कर दिया हूँ, टेंशन ना लिया करो। मैं समझ सकता हूँ पहले वीडियो बहुत बड़े बड़े होते थे तो बच्चे, कोई बात नहीं आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ मैं समझ रहा हूँ। चीन की बात फिर आ गई है। चीन ने 3 दशक बाद भारत से चावल का आयात शुरू किया। आयात मतलब खरीदा, मतलब लिया है चावल, वो भी चीन लिया है, और 3 दशक बाद लिया है। क्या जरूरत पड़ गई इसको लेने की? हाँ बेटा लास्ट टॉपिक होगा आपका, एकदम टेंशन ना लीजिए, मैं आपको समझ रहा हूँ आपकी बातों को। हाँ बिल्कुल एकदम छोटा, आज का आज के बाद एकदम ऐसे ही वीडियो मिलेगा, ठीक है, आराम से क्लासेस हम लोग आराम से ऐसे ही करेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप जरूर हमको बताइएगा रिव्यू उसका। ये टेलीग्राम का लिंक है बेटा, टेलीग्राम के लिंक से मैं बार बार कह रहा हूँ, इस क्लास का पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, टाइमिंग डेट पीडीएफ सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कोड है PG01, इसका भी यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा सकते हैं, 10% आपका सब्सक्रिप्शन कोई भी लेंगे तो 10% ये सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा सकते हैं, ये नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए फिर, जैसा आप लोग कहें। हाँ चीन ने 3 दशक के बाद, हाँ 3 दशक का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत दिनों बाद लिया है, 3 दशक बहुत होता है, ठीक है चलो, तो कम से कम लिया तो है। पहले तो यही पढ़ते थे, गेहूं और चीन में धान में सबसे अग्रणी है चीन, तो भारत से लिया है वो भी चाइना। तो चलो चाइना की बात आई है तो वहां के राष्ट्रपति का नाम आप लोग हमको बता भी दीजिए कि चाइना के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है वो चाइना के राष्ट्रपति, बताइए सभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई, जितने भी लोग जुड़े हों, चीन के राष्ट्रपति कौन है? आपको पता है चीन के जो राष्ट्रपति हैं, ये बहुत पहुंची हुई चीज है। चीन के बारे में क्या कहना है, इनकी क्या मैं तारीफ करूं? पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और चीन के वुहान शहर से ही पाया गया है कोरोना महामारी, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहा गया है बहुत सारे देशों के द्वारा, ये सच्चाई भी। और वहां के राष्ट्रपति ने कहा नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया कोरोना महामारी में पीड़ित थी और वो अपना विकास करने पे लगे हुए हैं। ये कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, खुद सोच सकते हैं, लॉजिकली सोचा जाए। अभी रिसेंटली बताया था कि चीन जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है, ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। आखिर क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई इनको? पूरी दुनिया में इकोनॉमी स्थिति देखिए कितनी बढ़िया चल रहा है, क्या हो रहा है देख ही रहे हैं आप सभी लोग, जानते भी हैं, सभी लोग परेशान है, वैश्विक महामारी थी और ये अपना विकास करने पे लगे हुए हैं। और इनकी तो आदत है हमेशा, चाहे साउथ चाइना सी की मैं बात करूं, चाहे चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर की बात किया जाए जो POK से होकर गुजर रहा है, जिसपे हमने आपत्ति दर्ज किया गया है, या किसी भी देश में आप इनकी स्थिति देखिए, हर जगह ये अपना कुछ ना कुछ खुरापात करते रहते हैं, इनकी क्या मैं तारीफ करूं? ये वो देश है जो बात कभी और करते हैं, करते कुछ और है, हर देश को पैसा दे के उनका मुंह बंद करने की इनकी आदत है। और तो और, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे ईरान हो, हर जगह देखिए रिंग ऑफ फायर मोतियों की माला की तरह हर जगह से घेरने की पूरी कोशिश करते हैं और ये हर जगह षड्यंत्र रचते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं चीन के द्वारा जो जो काम किया जा रहा है, जो सब बदमाशी की जा रही है, कहीं ना कहीं ये अपने पैर पर ही खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इनको नहीं पता कि ये कर क्या रहे हैं। खैर पाकिस्तान को तो पूरा का पूरा इन्होंने कैप्चर ही कर लिया है, पैसा दे के उसको एकदम गुलाम ही बना दिया गया है। और आपने देखा ही होगा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर जो POK से गुजर रहा है, जो विवादित जगह है, जो हमारा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे कहते हैं, उससे ऊपर गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी के लिए वो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और हम इस पर आपत्ति भी दर्ज की है, लेकिन अभी ये लोग समझ नहीं रहे, समझेंगे भी वक्त आए पे। तो ये सब चीजें हैं, चाइना के बारे में क्या तारीफ करूं, सारी जो चीजें हैं बता ही दिया मैंने आपको। यहां तक कि हमारे जो अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है, बार बार हमने जो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश अगर कोई भी विदेशी आ जाए, अगर अरुणाचल प्रदेश घुमा दिया जाए तो बार बार उनको आपत्ति हो जाती है, ऐसा क्यों, ये हमारा है भाई, कैसे है तुम्हारा, हर चीज तुम्हारा तो हमारा क्या है? आपने देखा होगा डोकलाम का जो विवाद हुआ था, हमारे सैनिक और उनके सैनिक इतने महीनों तक खड़े थे, सीमा पर डटे हुए थे, फिर भी हम लोगों ने उसे डायलॉग किया, बात किया, और हम लोग एकदम सीना तान के खड़े थे कि आओ भाई हम भी हैं, हल्के मत लिया करो हम, और हम लोग लड़ा था उनके साथ। कोई भी देश चाहता नहीं है कि लड़ाई करूंगा, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है बिना लड़े मानेंगे नहीं, लेकिन हमारे सैनिक हमारे जवान धन्यवाद सल्यूट है उनको, देश की रक्षा, देश के जो हमारे शूरवीर हैं, जो देश के सरहदों पे जो इतने ठंड के मौसम हो, चाहे 24x7 हमारे देश की रक्षा, आज हम लोग अमन चैन से यहाँ पे बैठे हैं, शांति है, तो उनकी वजह से। तो
वो लोग डटे रहे और हमारे विदेश मंत्री ने उनसे बात किया और उन चीजों को सॉर्ट आउट किया गया। तो चीन ने 3 दशक के बाद भारत से चावल आयात किया है, तो देख लेते हैं क्या है इनकी। और देखिए आज जितनी भी कंपनियां हैं चाइना, अब देख रहे हैं बहुत सारे इनके सॉफ्टवेयर से बैन हमने लगाया है और धीरे धीरे बैन लगा भी रहे हैं, अब धीरे धीरे लाइन पर आएंगे ये लोग, क्योंकि हमारे मार्केट को ध्वस्त करने में सबसे बड़ा हाथ इसी का है। आज पूरा का पूरा मार्केट चाइनीज इंडस्ट्री से भरा पड़ा हुआ है, चाइना के सामानों से भरा पड़ा है, चाहे वो कोई भी सामान आप देख लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान देख लीजिए, यहाँ तक कि मूर्तियां भी चाइनीज बनानी चालू हो गई है, हर चीज पे इनका कैप्चर होना चालू हो गया है। ये चीजें बहुत पहले बंद कर देनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं, देर से ही किया गया, लेकिन किया गया। और बहुत सारे आप सॉफ्टवेयर पे भी बैन आया, बैन किया गया है चाइना की। तो देखिए इनके धीरे धीरे सबकी जो समय सबका बलवान होता है। जैसे एक बार एक समय था जब ब्रिटेन जो है बड़ा राजा था, पूरे छोटा सा देश था ब्रिटेन, लेकिन पूरे विश्व पे राज करता था। आज स्थिति देख लीजिए क्या उसकी, वायु प्रदूषण कारण मैंने अभी हाल ही में पढ़ाया था, मैंने समस्याएं कितनी उत्पन्न हुई है। तो समय का सबका समय आता है, इनका भी समय आया है, तो इनको खरीदना पड़ा है। तो हम देखते हैं, हम भी बेचेंगे, हम बेचने वाले हैं, हमने बेचा है वो खरीदे हैं। तो चीन ने पहली बार भारत से चावल आयात शुरू किया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम बेच रहे हैं अभी। और यह कदम जो हुआ है भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच उठाया गया है। और गौरतलब है कि चीन 3 दशक बाद भारत से चावल आयात कर रहा है, मतलब खरीद रहा है। तो हम चिल्लाएंगे भैया खरीदे हो तुम, हम ठीक है हल्के मत लो, अब हम बेचेंगे तुम खरीदोगे, तुम बहुत तुम्हारी बदमाशी हम लोग सुन रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, तुम लोग बार बार बदमाशी कर रहे हो, हमेशा सीमा पे उल्लंघन कर रहे हो, जो हमारा दुश्मन है तुम उसको पैसे दे रहे हो, यहाँ तक कि नेपाल में भी तुम बदमाशी कर रहे हो, और जहां जो नहीं करना चाहिए वहां पे भी काम कर रहे हो, सारे देश को परेशान करने की जरूरत तो भी है। तो ये चीजें हैं, और कारण जो मैंने बताया कि चीन ने अपने पारंपरिक निर्यातकों से चावल का आयात बंद कर दिया है, जो कारण था। और हालांकि चीन ने भारतीय चावल की गुणवत्ता के मामले को भी उठाया है, पहले इनकी गुणवत्ता तो हम सही करते हैं, खरीदे हो ये इंपॉर्टेंट, इनका एहसास दिलाने की तुम खरीदे हो भाई, अब हल्के मत लिया करो हमको, तो हमको क्या हल्के मिलोगे, तुम खुद हल्के हो। चलिए और बात कर लेते हैं, ठीक है, और ये चीजें देख लीजिएगा, 3 दशक के बाद ये सब चीजें हुई हैं। भारत ने चीन को रियायती कीमतों का प्रस्ताव दिया था इनको, जिसके बाद चीन ने चावल का आयात शुरू कर दिया है। और इसके अलावा थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और पाकिस्तान जैसे देश चीन के पारंपरिक चावल आपूर्ति करता है, लेकिन इन देशों के पास निर्यात के लिए पर्याप्त चावल नहीं है। समस्या तो ये है, कैसे ये सब मांगेंगे हमसे, तो इसीलिए मजबूरन बस कहिए, या इनकी कमी कहिए, या जो भी कहिए, इन नकादों की मैं क्या बोलूं चाइना के बारे में, ये जो है अब इन्होंने क्या किया है कि हमसे चावल खरीदा है 3 दशक के बाद। खरीदे तो हो, नहीं तो हमेशा तो तुम फर्स्ट सेकंड में थे तुम लोग, लेकिन आज देखो तुम्हारा क्या है कि भारत ने चीन को रियायती कीमतों का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद चीन ने चावल का आयात शुरू कर दिया। और इसके अलावा थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और पाकिस्तान जैसे देश जो है चीन के पारंपरिक चावल आपूर्ति करता है, और लेकिन इन देशों के पास निर्यात के लिए पर्याप्त चावल नहीं है। और इसके अलावा ये देश भारतीय चावल की कीमतों की तुलना में $30 टन अधिक कीमत ले रहे हैं, हमने उनको प्रस्ताव दिया वो मान गए, हमने उनको दे दिया, फिर भी तुम खरीदे हो कि नहीं खरीदे, अब तुमको खरीदना पड़ेगा, तुमको तुम बिना हड़काए समझाए तुम मानोगे नहीं। और भी देखिए, भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जबकि चीन सबसे बड़ा आयातक है, क्योंकि हमारी जो है हम सबसे बड़े निर्यातक हैं और वो सबसे बड़े आयातक हैं, हम बेचने वाले हैं वो लेने वाले हैं। और चीन हर साल लगभग 4 मिलियन टन चावल का आयात करता है, मतलब खरीदता है वो। और भारत में व्यापारियों ने दिसंबर फरवरी के शिपमेंट में 1 लाख टन टूटे चावल के निर्यात के लिए अनुबंध किया है, और इसकी कीमत $300 प्रति टन है। खैर ये सब नहीं जानिए, ये जानिए बस आपका, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है, इसको भी आप आराम से देख लीजिएगा, ये चावल आपको पता ही है। और भारत का चावल निर्यात, भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, और भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल का शीर्ष निर्यातक है। बासमती चावल, वैसे भी जाड़ा का दिन है, समझ सकते हैं। 2018-19 में भारत ने लगभग 4 मिलियन मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया था, और इसकी कीमत 4.7 मिलियन टन अमेरिकी डॉलर है। ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या चीजें हैं, ये सब ज्यादा नहीं बताना चाहिए लेकिन बता दिया मैंने, कहा चलो ये भी बता दिया जाए। और भारत के बासमती चावल का उत्पादक जो राज्य है वो भी देख लीजिए, बासमती चावल का शीर्ष निर्यातक है, तो बासमती चावल के बारे में देख लीजिए कौन कौन से प्रोडक्शन राज्य करते हैं। तो भारत में बासमती चावल का उत्पादन करने वाले राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इन चीजों को भी आप लोग देख लीजिएगा, ये वो राज्य है जो बासमती चावल उत्पादक राज्य है।
जिसमें आपके जम्मू कश्मीर है, आपके पंजाब है, आपका हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग आराम से देख लीजिएगा। और बस खत्म करने वाला हूँ टॉपिक, बस लास्ट यही है कि गैर बासमती चावल का निर्यात भी देख लीजिए। बासमती का तो चलिए हमने बात कर लिया कि 2018-19 में भारत ने 7.5 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती चावल का निर्यात भी किया था और इसकी कीमत 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। और भारत ने नेपाल, बांग्लादेश जो पड़ोसी हमारे हैं, सेनेगल, बेनिन, बांग्लादेश, गिनी जैसे देशों को गैर बासमती चावल का निर्यात किया था। और भारत में चावल का थोड़ा सा उत्पादन पढ़ लीजिए कि भारत विश्व में चावल के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और भारत मुख्य रूप से सफेद चावल और भूरे चावल का उत्पादन करता है। और भारत में चावल ज्यादातर देश के पूर्वी और दक्षिणी भागों में उगाया जाता है और समय के साथ चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो ये रहा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी और जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, चाहे भारत में स्वर्ण पदक जीते हो, जीते ही हैं, बताया था 9 पदक में स्वर्ण पदक है, 3 सोना स्वर्ण है, तो सबका नाम पढ़ लीजिएगा। हमारे मोदी जी को कौन कौन से अवार्ड दिए गए ये पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री बनने से लेके मतलब 2014 से लेके अभी तक किस किस देश के द्वारा अवार्ड दिया गया ये भी जरूर पढ़िए आप लोग। और जो भी आज के जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और आप लोग के कहने पर ही मैं वीडियो को छोटा कर रहा हूँ और टेलीग्राम का लिंक है, इससे जुड़िए, t.me प्रिंस जायसवाल के नाम से, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, इससे जुड़िए। इस कोड का यूज कीजिए, PJ0 में इस कोड का यूज करेंगे तो आपके जो सब्सक्रिप्शन होगा उस सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, इस टेलीग्राम के लिंक पे होगा क्या, इसका PDF आपको मिल जाएगा, क्लास की टाइमिंग मिल जाएगी, जो टाइमिंग होगा जब भी होगा मैं लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे। ठीक है, टाइमिंग मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, डेट भी मिल जाएगा, इस मतलब कुछ करना नहीं है आपको। इस टेलीग्राम से जुड़ेंगे आप, उसको जब जब मेरी क्लास लगेगी, चाहे वो अनअकैडमी के ऐप पर हो चाहे वो यूट्यूब पर हो, आपको उसका डिटेल पूरा मिल जाएगा, उसका मैं पोस्ट कर देता हूँ उस पर टेलीग्राम का, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से, यहाँ पे भी लिखा हुआ अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल, ये PJ01 है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा भी सकते हैं। आज का क्लास कैसा लगा, मेरा एक नया प्रयोग है, वीडियो को मैं बहुत छोटा करके ही बताया हूँ आज, मतलब जो पहले ढाई ढाई घंटे का 2-2 घंटे का वीडियो बनता था, अब मैं उसको कम कर दिया हूँ। ठीक है, आप लोग यार भी मैंने लगा कि बच्चों को छोटा छोटा देना चाहिए, तो वैसे ठीक है, बाकी सब दिया जाएगा वैसे ही जैसे चल रहा था। ठीक है, बाकी जो भी दिया हो एकदम इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे की बात की गई है। आप लोग के पेपर को देखते हुए जिस तरीके से आप लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिए, आप लोग का कमेंट, आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है। ठीक है, तो अपने लाइक अपने कमेंट जरूर कीजिए और जो भी क्वेरी होगी बेटा खुल के बताए, कोई दिक्कत नहीं है आप, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो ही पता चल पाएगा मुझे कि उसमें क्या और चेंजिंग करनी है। ठीक है, चाहे मानव स्वतंत्रता सूचकांक था वो भी जैसे मैंने पढ़ाया आपको, उसके भी पैरामीटर्स थे ना, कितने देशों को लेके चलेंगे, ये पैरामीटर्स हैं, इसको फुलफिल करेंगे, ये चीजें होंगी, कौन टॉप पे है, कौन बॉटम पे है, भारत का स्थान क्या है, पिछले साल क्या था, तो ये चीजें कहीं ना कहीं जब रिव्यू के द्वारा जो पता चलती है, मतलब आप लोग के रिसर्च जो भी आप बताएंगे कमेंट करेंगे तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को चीजें आज की समझ में आई होंगी, जिसको ना समझ में आए बेटा तो वीडियो को कई बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम पे पड़ा रहता है वीडियो, कभी भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो वैसे भी अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, डिजिटल क्रांति की भी बात हो रही है, वो भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भी बनाया गया है, तो उसमें भी डिजिटल की बात की गई है, थीम की बात की गई है, आज जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए आपको, आप पढ़ के देखिए मजा आएगा आपको, आप लोगों ने पढ़ा भी है मजा भी आया होगा, बाकी पूरी कोशिश तो मैं करता ही हूँ। तो ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा भी सकते हैं। तो चलिए क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग आप सभी को, तब तक के लिए आप लोग सभी लोग पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को यहीं पर मैं ऑफ करता हूँ। ठीक है, तो यहीं पे क्लास को ऑफ किया जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।